तो जैसा कि हमने वादा किया था, मेरे साथ आपको स्क्रीन में बीच में देवाशीष दिख रहे हैं और देवाशीष के बगल में रुक्मिणी दिख रही है। हालांकि मैं और रुक्मिणी जो तो इसके पहले 3 बार दिखाई दे चुके हैं। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे इसके पहले ऑफ द रिकॉर्ड, जब तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारा सिनेमा हमने अपने बचपन में देखा था जो बहुत सारी बातें कहता था, और ये पूरा दौर जिसमें हम जी रहे हैं, खासतौर पे COVID-19 इन्फेक्शन शुरू होने के बाद, वो सारी चीज़ें जो अब तक हमारी आँखों से परे थी, हमको दिखाई नहीं देती थी, वो सब कुछ हमारे सामने आ गया। और ये किसी बुरे फिक्शन के सच हो जाने जैसा दौर है, हम लोग ये बात कर रहे थे। और इसलिए हमने तय किया कि क्यों ना हम फिक्शन की दुनिया से किसी ऐसे शख्स से बात करें जो फिक्शन में वो सच दिखाता हो जो हम में से ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। पर यह बात याद रखनी होती है साथ में कि जो पसंद नहीं आता है वो आमतौर पे सच होता है। तो ये पूरा समाज सच को पसंद करना जरूरी नहीं है, पर सच को स्वीकार करने के जो हालात कभी हुआ करते थे, जो हम करते थे एक वक्त में, उससे हम बहुत दूर आ चुके हैं। तो संस्कृत में वो हम जब पूजा करते थे बचपन में तो सत्यम शिवम सुंदरम हम सुनते थे। तो दरअसल सत्य शिव हो या ना हो, सत्य सुंदर हो या ना हो, सत्य शिव होता है। यानी कि सच जो है वो सच होता है, उसका सुंदर होना जरूरी नहीं है। तो हम देवाशीष से बात कर रहे हैं, हमारे दौर के उन टैलेंटेड फिल्म मेकर्स में से एक हैं। जो एक तो वो केवल फिल्म मेकर नहीं है, ये इंट्रो इंट्रो के साथ नाइंसाफी होगी, देवाशीष राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, ग्राफिक नॉवलिस्ट हैं, और बहुत कम लोगों में से हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में हमने देखा है कि बच्चों के लिए किताब लिखने की रिवायत हमारे समाज से जा चुकी है। उसका नतीजा हम एक ऐसी भटकी हुई पीढ़ी के तौर पे देख रहे हैं जो गाय बचाने के नाम पे इंसान का कत्ल कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का लिटरेचर गायब होने, तो देवाशीष बच्चों के लिए किताबें भी लिखते हैं, ग्राफिक नॉवेल्स करते हैं, फिल्में बनाई हैं, फिल्मों के बारे में अभी हम बात करेंगे एक एक करके, जाहिर सी बात है। तो मैं इस संवाद की शुरुआत करता हूँ, कोरोना संवाद 4, जिसका नाम हमने सोचा था सिनेमा से सड़क पर। और देवाशीष ने जैसे कि कल अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा, तो हम बात करेंगे कि इस देश पर और हमारी साझा राजनीतिक और सामाजिक जो असफलताएं हैं, द फेलियर्स ऑफ दिस सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स एंड एज अ नेशन, और इसी का एक हिस्सा, क्योंकि इस देश का, इस समाज का एक हिस्सा सिनेमा भी है। तो हम बात करेंगे बरासता सिनेमा, इन सारी चीज़ों की। देवाशीष आपका स्वागत है, रवीश कुमार की तरह बहुत लंबा इंट्रो मैंने शुक्रिया। दे दिया, कोई बात नहीं। रुक्मिणी साथ में है, रुक्मिणी का भी स्वागत है, बहुत फॉर्मल है हालांकि लग रहा है ये, लेकिन रुक्मिणी का स्वागत है और आप लोग सब लोग जो देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो मिनी, मैं चाहता हूं कि हम बातचीत शुरू करें, आप कुछ पूछना चाहती हैं देवाशीष से कि मैं पहला सवाल करूं? नहीं, आप करें पहला सवाल। ठीक है देवाशीष, सबसे पहली चीज जो हम जिस बारे में हम बात भी कर रहे थे, आपने तो चूंकि फिल्में तो आपकी देखी ही हैं हमने, आपने कभी कुछ ऐसा लिखा, कभी किसी वक्त में कुछ ऐसा डार्क जो शायद अभी सिनेमा के पर्दे पे या किताब के तौर पे ना हो, पर दरअसल अभी जो कुछ चल रहा हो आप उसको रिलेट कर सकते हैं उससे? मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया आपके सवाल को। मैं कह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने ऐसा कुछ लिखा है, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, जो अभी हम जो कुछ देख रहे हैं, सड़क पे पैदल चलते लोग, भूख से मरते लोग, हम ये देख पा रहे हैं। था तो ये सब पहले से भी, बस हम उसको बहुत बड़े पैमाने पे देख पा रहे हैं। तो आपने ऐसा कुछ भी लिखा है जो आपके सिनेमा में ना हो या आपकी किसी किताब में ना हो, पर दरअसल आपने लिखा हो? मेरे साथ क्या हुआ है ना, पिछले 3 महीने में, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलता है एक कमरे में बंद होने को, पहली चीज क्या मैं करता, मैं लिखता। बट इन द लास्ट 3 मंथ्स मुझसे लिखा नहीं गया, मैं एक शब्द नहीं लिख पाया हूँ। तो इस वक्त उन चीज़ों को देखकर जो इतने सालों से हमारे अंदर ही रही है, हम लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे अपने कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपनी फिल्मों में, पर लोगों को चीज़ें बहुत ड्रामेटिक लगती है जब तक वो रियल वर्ल्ड में अपनी आंखों से उन चीज़ों को होते हुए ना देखते हैं। तो इन 3 महीनों में इन सारी चीज़ों को देख कर ना मैं लिख नहीं पाया। तो मेरे पास इस वक्त ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी मेरी पब्लिक डोमेन में ना नहीं है, मेरे पास है नहीं शेयर करने को। बट जो माइग्रेंट लेबर के साथ, एक इमिग्रेंट स्टेटस जिनका है देश के अंदर,
एक स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में जाकर काम करने को अगर आपको माइग्रेंट कहा जाता है, बजाय इसके कि आप एक देश में होकर आपको पहले देशवासी का दर्जा दिया जाए, वो मैं अपनी सारी फिल्मों में, सारी कहानियों में इतने सालों से एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो मेरे पास कुछ नया कहने को है नहीं, क्योंकि अब बाकी देश देख रही है जो हम कई सालों से कह रहे थे। दरअसल मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लगभग यही मेरे साथ, मैंने कुछ रोज़ पहले एक फेसबुक पोस्ट में इस बात का जिक्र भी किया था कि मुझसे लोग ये पूछ रहे थे कि तुम कुछ नया लिख क्यों नहीं रहे हो। तो चूंकि मैं खुद ये महसूस कर रहा था, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि क्या आप भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जो हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि हम कुछ खास लिख नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं देवाशीष? मेरा एक सवाल है, जी, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? जब लिख नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इन द लास्ट 2.5 months, अ लॉट ऑफ माई टाइम हैज बीन गोइंग इन मोबिलाइजिंग एज मच एज पॉसिबल रिलीफ वर्क इन वॉट एवर कैपेसिटी आई कैन। आई हैव ट्राइड टू राइट, बट आई गॉट वन नोटबुक विच इज हाफ फुल ऑफ स्टार्टेड बट अनफिनिश्ड पीसेस। आई हैव नॉट बीन एबल टू राइट एनी थिंग दैट आई हैव नॉट रिटन बिफोर, एंड एवरी थिंग दैट आई हैव रिटन ऑल दीज ईयर्स has been in some form or the other rejected by readers, by film watchers, because except for the small minority that already agrees with what I'm saying, most people find my fiction to be a little exploitative. I got that critique a lot for a film called Ajji. I'll give you an instance. 2018 में 2017 में Ajji रिलीज हुई नवंबर में, और कुछ लोगों ने, तीन चार अलग लोगों ने मुझे प्राइवेटली मैसेज कर कर कहा कि यार जो तुम दिखा रहे हो ना थोड़ा ज्यादा है, ऐसे हमारी दुनिया में ऐसे नहीं होता। 3 months later, a little girl called Asifa got raped and her head was smashed in by a rock. And two of those people who had called me 3 months earlier and said that my cinema was a little too dramatic to be real, apologized, saying that boss, the real world is a little more dramatic than your cinema. So I'm seeing a lot of that play out now. So I really have nothing to say to most people anymore, other than just doing whatever I can as a citizen of this country. तो कहना और लिखने में ना इस पिछले 2.5 महीने में वो मतलब कुछ रहा नहीं है। आई डोंट नो वॉट टू से, वॉट टू मेक, वॉट टू राइट एनी मोर। द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट आई थिंक दैट मेक्स सेंस इज टू डू समथिंग। ये आपकी इस बात से मैं, मुझे टोनी मॉरिसन का एक की एक कहानी याद आई कि जब एक खास व्यक्ति फिर से प्रेसिडेंट बना और वॉर की बात हुई तो उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोला कि मैं तो लिखना छोड़ रही हूँ इस वक्त। उन्होंने कहा शायद यही वक्त है लिखने का। आपको क्या कोई वजह दिखती है अभी फिल्म बनाने के लिए, या वो अब बहुत दूर की बात लग रही है इस वक्त? वजह तो हम हमेशा दिखती है, पर क्या अंदर से वो कॉलिंग आ रही है इस वक्त? शायद नहीं, क्योंकि और 15 साल हो गया ना, 15 साल से मैं इस तरह की कहानियां कह रहा हूँ और इस तरह की फिल्में, अपनी फिल्मों में ऐसी चीजें दिखा रहा हूँ जो लोग, जैसे मयंक ने कहा, जो लोग सुनना नहीं चाहते, जो देखना नहीं चाहते। ऑलरेडी उनकी लाइफ में शायद ऐसी चीजें हो रही है, शायद इसीलिए वो नहीं देखना चाहते, या वो ऐसी चीजों से अपने आप को नजरअंदाज करना चाहते हैं इन चीजों को, इसीलिए नहीं देखना चाहते, कारण जो भी हो। बट 15 साल से क्योंकि वो देखना नहीं चाहते और मेरी बात सुनना नहीं चाहते, अब खुद को मोटिवेट करना एक नई चीज कहने को, इट टेक्स अ लॉट, स्पेशली व्हेन द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू समथिंग टुगेदर। अब मैं किसको कहूंगा, कौन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इस चीज से अनटच्ड है? मैं क्या कहूंगा एक इंसान को जो ऑलरेडी जानता है कि हम ये ग्लोबल लेवल पे एक ही चीज से गुजर रहे हैं? अब क्या कहोगे कि यार तुमसे ज्यादा पीड़ा उस इंसान को हो रही है, तुम क्या कहोगे? इट्स वेरी हार्ड टू एलिसिट एम्पथी एट दिस पॉइंट फॉर अ फेलो ह्यूमन बींग। सो आई थिंक द लीस्ट वी कैन डू राइट नाउ इज जस्ट टू होल्ड आर इम्पेशंस, जस्ट टू होल्ड आर ब्रेथ एंड डू। मे बी अ लिटिल लेटर वील फाइंड अ रीजन टू से समथिंग, मे बी वील फाइंड समथिंग टू से। राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। आप काफ़ी लोगों के साथ अभी बातचीत भी कर रहे हैं, कई
जर्नलिस्ट, कई लोग जो ज़मीनी तौर पे काम कर रहे हैं, कई रिलीफ वर्कर्स, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों से बातचीत करके कि कितना काम हो रहा है ज़मीन पर देश के लिए, देशवासियों के लिए, और जो जो हम रिपीटेड प्रॉमिसेस सुनते हैं पॉलिसीज़ को लेकर के, उसमें आपको क्या लग रहा है कितनी, मतलब सरकार कितनी काम, कितना काम कर रही है और कितना ज़मीन पे काम हो रहा है? सरकार जितना पहले कर रही थी ना उतना ही कर रही है, या जितना पहले नहीं कर रही थी उतना ही नहीं कर रही है। सिर्फ अभी क्या है, जब इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं तो वो चीज़ सरफेस पे आती है, तो अब सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर यही था, या तो इस सरकार के अंडर 6 साल से यही था, या इस देश में 40-50 साल से यही था। अब एक्सपोज हो रहा है ये बात, क्योंकि हर कोई एक ही चीज़ में एक साथ एक सिचुएशन को एक साथ नेविगेट कर रहे हैं ना। पहले ऐसा नहीं था, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सोशल स्ट्रेटा में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को नेविगेट कर रहे थे, तो एक स्ट्रेटा पे क्या गुजर रही है उसको नज़रअंदाज करना बहुत ही आसान था। पर अब आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पे जो बीत रही है किसी ना किसी तरीके से बाजू वाले इंसान पे भी बीत रही है। तब जाकर सरकार जो नहीं कर रही है और नहीं कर रही थी और शायद कभी ना करेगी, वो अब एक्सपोज हो रहा है। पर अगर आपको वो अब भी नहीं देखना और उस चीज़ को नज़रअंदाज करना है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस बात का। एक मेरा इनफ पीपल हु रिफ्यूज टू बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग समथिंग। आई हैव नाउ सीन विथ माय ओन आईज, देर आर न्यूज रिपोर्ट्स वेयर फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ द नेशनल लॉ स्कूल स्टूडेंट्स गॉट टुगेदर, chartered a flight and sent about 170 migrants back home. When the newspapers wrote about it, there was a quote by the government saying that we will not rest till every migrant is sent home, but the government had nothing to do with this particular activity. So it's always been this ridiculous, at least in the last 6 years it has been humongously ridiculous and it continues to be, so that has not changed. It's just, if at all, gotten exposed a little. लेकिन देवाशीष, एक 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 चीज़ जो मैं, और इसको हम, ये जो सवाल है ये बड़ा मज़ेदार ये है कि हमारे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं या न्यूज़ चैनल्स और अखबार, वो लगभग हर वर्कर से जो किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहा है और अब घर लौट रहा है और ख़ास तौर पे वो सड़क पे पैदल चल रहा है, वो उससे सवाल पूछते हैं बार बार कि क्या आप कभी लौट कर आएंगे, और उनमें से ज़्यादातर का जवाब होता है हम नहीं आएंगे। और इस सवाल को बार बार, इस जवाब को बार बार चलाया जाता है, पर इसका साइको एनालिसिस करने की हम कोई ज़रूरत नहीं समझते कि एक शख्स जो रोज़ी रोटी की तलाश में किसी शहर में आया था और वहाँ सालों साल से रह रहा था, और वो अचानक कहता है कि अब मैं यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा, तो कहीं ना कहीं एक भाव, क्योंकि आप लोगों से लगातार मिल भी रहे हैं, आपकी बात भी हो रही है, चूँकि आप काम कर रहे हैं इस वक्त, रिलीफ वर्क में लगे हैं, एक ये सेंस of you know being left isolated, या एक sense है कि इनको दरअसल हमारी परवाह नहीं है, अभी ये हमको इसलिए रोकना चाहते हैं शहर में क्योंकि इनको हमारी ज़रूरत है कभी ना कभी, लेकिन दरअसल वो जो सालों साल हमने उनको disrespect किया है, कहीं ना कहीं उस वजह से एक ये भाव उनके अंदर है कि नहीं लौटना है यहाँ पे, जो होगा देखा जाएगा। ये ना, ये एक, इससे भी अगर मैं 30 साल 40 साल 50 साल इसको थोड़ा पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करूँ, इसमें एक और भी गहरी चीज़ दिखने में आएगी आपको, जो जिन एक छोटी ग्रुप है जो हमने बनाई है, जो 2 महीने से जितना रिलीफ वर्क और कोऑर्डिनेशन कर सके कर रहे हैं, रुक्मिणी आप उस ग्रुप में हो, तो वहाँ पे ये बात छिड़ी थी कि ये जो माइग्रेंट लेबर क्लास है जो शहरों में आती है गांव से, ये शहर में आती क्यों है पहले, क्योंकि हमने गांव के बारे में सोचना छोड़ दिया है पिछले 50-60 साल में। हम गांधी को आज भी हर करेंसी नोट पे तो देखते हैं, पर उन्होंने जो कहा था कि ग्राम पंचायत को पहले एम्पावर करो, गांव को पहले एम्पावर करो, क्योंकि जिस दिन एग्रीकल्चर खत्म हो गया ये देश खत्म हो जाएगी। तो अब मौका है उन सवालों को दोबारा से छेड़ना, ना कि ये सवाल पूछना कि क्या वापस आओगे, क्योंकि वो वापस आए ना आए उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो आएंगे तो मरेंगे, नहीं आएंगे तो मरेंगे। पर क्या हमने अपने गांव से हमने मुंह मोड़ लिया है, क्या हमने एग्रीकल्चर से मुंह मोड़ लिया है, ये सवाल पूछना ज्यादा जायज है। और अगर हमने ये सवाल अभी नहीं पूछा तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर वी आर एक्चुअली सेटिंग आवरसेल्फ्स अप फॉर।
क्योंकि उनके पास एग्जैक्टली अगर हम देखें तो गांव में भी कुछ नहीं है, अगर ये ऑप्शंस नहीं है उनके नरेगा पास, नरेगा ऑप्शंस ना हो तो शायद मुझे लगता है कि लोग आत्महत्या करने लगेंगे, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आत्महत्या की दर कि हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार को भी यही कहना पड़ता है कि हम नरेगा में काम दे देंगे। एंड मयंक, नरेगा नरेगा भी एक बहुत ही पेचीदा चीज़ है। मैंने हाँ नरेगा बिल्कुल अपनी आंखों से करप्ट होते हुए देखा है उस चीज़ जी को, क्योंकि जी नरेगा जहाँ भी माइग्रेंट लेबर, मतलब उन गांव में जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चलता है, अगर उस गांव वाले को आपने काम दिया उस रोड पे उस डेली डेली वेज पर, और अगर डेली वेज, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे था और मैं ये रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आपने पहले तो एक आदिवासी को अपने उसकी ज़मीन से उखाड़ उखाड़ा बिना उसको मार्केट रेट ऑफ कॉम्पनसेशन दिए। फिर आपने कहा कि आपको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको रोड कंस्ट्रक्शन काम दे रहा हूँ। एक आदिवासी जो जिसने जिंदगी में रोड कंस्ट्रक्शन काम नहीं किया है, उसके पास अब ना खेत है, ना नदी है, ना कुछ अपना खुद का है जो वो खा सके, अब उसको हर चीज़ खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने के लिए उसको हर दिन एक पगार चाहिए। तो वो पगार अगर सरकार ने उस वक्त, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर शायद सरकार ने 250 रुपये मिनिमम वेज जी गारंटी दिया था। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो वो रोड लिंक कर रहा है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, सरकारी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है नहीं देखने को कि हर इंसान को 250 रुपये मिल रहे हैं। तो वो दे रहा था 100 रुपये और 150 उसके पॉकेट में जा रहे थे। बट जब वो उस रजिस्टर में उनका दस्तखत, मतलब थंबप्रिंट ले रहा था, वहां पे लिखा था 250 रुपये। तो अगर सरकार से आप पूछो कि नरेगा सक्सेसफुल है कि फेलियर, वो अपना कांग्रेस अपनी वेबसाइट दिखाती और कहती कि यार ये देखो इन सारे नाम के अगेंस्ट इनका थंबप्रिंट है, इनको 250-250 रुपये मिले हर रोज। पर वहां जहां कॉन्ट्रैक्टर 250 रुपये नहीं दे रहा था उनको हर रोज, वो चेक करने के लिए कौन है वहां पे? तो हमारी सिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। आप किसी को अपनी जमीन से उखाड़ कर उसकी एग्रीकल्चर ले उस उससे छीन कर आप उसको नहीं कह सकते कि आप रोड लेन करो और मैं आपको मिनिमम वेज दूंगा। सो दीज आइडियाज आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग एंड विच इज वाई वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ क्राइसिस। दिस क्राइसिस इज नॉट मेड बाय कोविड, इट्स मेड बाय अ नॉन सेल्फ सस्टेनिंग प्रो अर्बनाइजेशन प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लाइंड परस्यूट ऑफ मनी, एंड कोविड इज ओनली एक्सपोजिंग इट। जी, ये वही बात है जो हम लोग लगातार कर रहे हैं, और हम मेरे ख्याल से रुकनी, इसके पहले भी हम जब हमने बातचीत जिन लोगों से की है उनमें से ज़्यादातर लोगों ने जो हिंदुस्तान से हैं उन्होंने यही कहा। रुक्रिया, आप कुछ पूछना चाहती हैं कि मैं मैं अगले आप सवाल? मैं ये जी पूछ जी रही थी, जी आपके आपका जो फिल्म है भोसले, वो भी सो कॉल्ड माइग्रेंट्स के ऊपर ही है, तो आपको यू मेड इट बिफोर कोविड-19, सो देर वॉज क्लियरली दिस क्वेश्चन ऑफ यू नो लीविंग वन ओन लैंड, गोइंग टू अनदर प्लेस एंड वर्किंग. तो ये व्हाट मेड यू राइट दिस फिल्म एंड देन डायरेक्ट दिस फिल्म, व्हाट इंस्पायर्ड यू? मल्टीपल थिंग्स। इफ अगेन इफ आई ट्रेस दिस बैक टू माई पर्सनल जर्नी, माई पेरेंट्स बोथ ऑफ देम इन इंडिविजुअल कैपेसिटीज केम फ्रॉम वॉट इज नाउ पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन, एंड सो ऑल माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल माई ग्रैंड आंट्स एंड ग्रैंड अंकल्स एंड द नैरेटिव इन माई फैमिली हैव बीन दैट वी वर अप्रूटेड, वी एक्चुअली बिलोंग समवेयर एल्स, वी वर लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक क्लासेज एंड वी केम हियर एंड माई grandfathers have had to physically deliver lathe machines as laborers for years on end until they set up one small shop and made a meager living for 40 50 years before they all died heartbroken. And so I don't feel, and I was born in Calcutta, so I had a almost a proxy Bengali upbringing, so neither did I feel rooted to my Sindhi identity, neither did I feel rooted to my Bengali upbringing. And then I left Calcutta 16 years ago to come to Bombay to make cinema. And around the time, a few years after I came here, was this wave of anti-migrant policies by the MNS and the Shiv Sena. And around the time I was researching Black Friday and after that, every time you would speak to a Maharashtrian policeman in Hindi, he would refuse to answer in Hindi, he would answer in Marathi. And I used to struggle to understand what they were saying. सो इट वॉज रब्ड इन माई फेस कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कहीं और से आए हो। बट ये तो मुझे कलकत्ता में भी ये फीलिंग आती थी, तो मैं हूँ कहाँ का? सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस आइडिया दैट इफ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री
just because every state speaks a different language, I am going to be made to feel like I don't belong. Imagine what is happening in those countries where you've moved countries to go and try and make a living in another country. So the biggest irony of our nation is that we are actually not a nation. We are several small nations. What is holding us together, even I don't know. Yes. We don't want to be held together. Given a chance, all these states want independence, which is what is happening in the last few years. We are getting fractured into more and more states, right? Now we have a Jharkhand, we have a Chhattisgarh, we have a Telangana. We didn't have them 10, 12 years ago. Everybody wants out, but we're just holding it together for this very bizarre idea of nationalism, which doesn't really hold water other than Pakistan bashing. So I want to explore all these ideas because none of them made sense to me. And in Bhosle, it's not just the migrant that comes from another state that I've explored. It's the idea of being a migrant and outsider to the life that you know. And to be made to feel that while you're still residing in your own nation, I think is quite a tragedy. So I'm obsessed by that idea. And seeing it play out the way it is playing out right now during the COVID crisis is too heartbreaking. हमारे पास हिंदी सिनेमा था वैसे जोड़ने के लिए भारत पहले जो शायद पहले अक्रॉस द कंट्री सब लोग देखते थे एक साथ बैठ करके जहाँ पे सब की बातें भी हुआ करती थी जो हम लोग बात भी कर रहे थे कि नहीं देखते देखते अभी भी हमें मिनी अब बस ये होता है कि हम ये बात करते हैं कि फला फिल्म में फला पहले भी तो ये बदलने का जो प्रोसेस बड़ा दिलचस्प था पहले ये हुआ कि फला फिल्म में फला हीरो ने फला कपड़े पहने हैं और वैसे कपड़े लोग पहनने लगे फिर वैसी गाड़ी खरीदने लगे बाल रखने लगे और धीरे धीरे फिर अब आ गया पिछले 8-10 साल में कि फला फिल्म में फला वाला आइटम नंबर है ये गाना है ये बहुत अच्छा है और अब वहां से मैं दूसरी बात कह रही थी मैं कह रही थी साथ में देखने का मतलब मैं कह रही थी कि अक्रॉस क्लास भी देखते थे हम लोग है ना और इसीलिए उस वक्त आपके लिए 2 बीघा जमीन बनती थी क्योंकि शायद उसके लिए एक ऑडियंस भी था वो चाहे 2 रुपए का टिकट हो या 3 रुपए का टिकट हो एक रिक्शा वाला भी जाके देखता था कुली मुझे याद है जब कुली बनी थी तब हम लोगों के यहाँ जितने हमारे स्टेशन के कुली जितने थे सब लोग एक बार ग्रुप में मिल करके सब लोग कुली देखने गए थे आजकल हम ये सोच नहीं सकते हैं मतलब शायद वो मल्टीप्लेक्स कल्चर हो सकता है बड़े शहरों में एटलीस्ट मल्टीप्लेक्स कल्चर ही है एक दो मतलब लखनऊ में भी मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ में भी शायद अब गिने चुने ही सिंगल थिएटर होंगे अगर नहीं बचे और एक और चीज मेरी मुझे लगता है कि शायद देवाशीष ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कहानी भी एक हिस्सा है किसकी कहानी कही जा रही है किसके लिए कही जा रही है क्या साझा कहानियां कही जा रही हैं और क्या साझा कहानियां समाज में बची हैं कहने के लिए कि समाज कैसा है वहां पे कितना कुछ है जो साझा है जो शेयर्ड है मुझे लगता है तो मैं इसको हमारे जो इसके पहले जिस सवाल पे हम चर्चा कर रहे थे मैं उससे इसको जोड़ सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं क्या है ना इंडिपेंडेंस के बाद हम ढूंढ रहे थे उस एक चीज को जो इस देश को जोड़ सके और वो चीज amongst a lot of other things, एक चीज थी वो थी भाषा और कहीं ना कहीं हिंदी जो कई चीजों का मिश्रण है इस देश को जोड़ रही थी पर ये देश जोड़ने वाली चीज है ही नहीं क्योंकि हमने तब भी साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नजरअंदाज किया जी सालों तक जी. अब हमारा देश हिंदी देश हिंदुस्तान नहीं है वी हैव टू एडमिट एंड वी हैव टू एक्नॉलेज एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट वी आर मेनी मेनी नेशंस विद इन अ नेशन And when those identities started rebelling, there was the Alpha, there were a lot of Northeast insurgency. Yes. There were insurgencies in Punjab, there were insurgencies further north in India, there was a lot of backlash to our Hindi domination from the south. And that's when those cinemas had a bit of a surge. And that's when I think in the 80s and 90s, I see some sort of a parallel movement between those cinemas finding their voice and Hindi cinema getting throttled and losing its voice. So I don't know if this was not eventually, ye hone wala tha. Kahin na kahin Hindi cinema humko jod nahi sakta hamesha ke liye. Humko baki cinemas aur baki languages ko bhi acknowledge karna padega. Ji. Aur jo hum khabron mein bhi dekh rahe hain, hum news mein bhi dekh rahe hain. Har cheez mein. Aur abhi aap dekho to sabse behtareen cinema in jagahon pe ban rahi hai. Ha, non-Hindi cinema, yes. Assamese cinema. Yes, they even, are even Marathi, cinema. Even Marathi, yes, even Marathi. Far better than Hindi cinema, and I think that needs to be celebrated rather than we mourning the loss of Hindi cinema. Hindi cinema today actually is not going to repair any damage.
what is going to repair any damage and is a way forward is to embrace the fact that we are 28 languages and we make cinema in 28 languages. And all of them need equal representation as Indian cinema. पर ये जो फर्क है देवाशीष, ये जो मैं जो अक्रॉस द कंट्री जो क्लास का जो डिसमेंटल करते हैं, अगर आप मराठी सिनेमा देखो, फैंड्री, फैंड्री वाज वॉच्ड बाय ऑल क्लासेस. दिस मैन वाज अ हीरो इन परेल एज मच एज ही वाज अ हीरो इन सतारा. परेल में नागराज मंजुले के कंधे पे उठाकर उन्होंने परेड किया, सतारा में भी उसको कंधे पे उठाकर किसानों ने परेड किया. तो ये रीजनल सिनेमा में नहीं हो रहा है, सिर्फ बॉम्बे सिनेमा में हो रहा है, क्योंकि बॉम्बे सिनेमा में हमने रिलेंटलेसली क्लास डिस्क्रिमिनेशन और कुछ क्लासेस को और रीजन्स को हमने नजरअंदाज किया है. एंड वी हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, एंड वी आर पेइंग द प्राइस फॉर इट नाउ, बिकॉज इट्स ऑलवेज बीन डोमिनेटेड बाय द अपर क्लासेस. इट्स ऑलवेज स्लोली मूव टूवर्ड्स बीइंग देयर वॉइस एंड डोमिनेटेड बाय दोज नैरेटिव्स. द फ्यू बिटवीन एम एस सथ्यू एंड श्याम बेनेगल, दे ट्राइड टू bring a different class front and center in the cinema. They had a small phase, but it's hard to sustain it because the paradigm of that cinema is not manufactured for, you know, breaking class differences. You spoke about Coolie. Now, Manmohan Desai, although, yes, he had some representation of another class in his so-called hero, the fact that he offered a Thali cinema and he had certain tropes that were so mainstream that you cannot justify them for that class will lead to that particular paradigm breaking down. You can't sustain it beyond one Mard or one Coolie. Yes, it's not self-sustainable. And basically, वो धीरे-धीरे जो बात मैं मिनी कह रहा था वो यही था कि हम gradually पहुँचे, हम process में पहुँचते हैं, क्योंकि एक इंसान के तौर पे हमारा जो बनने का process होता है तो वो वैसे ही होता है कि हम बचपन से क्लासेस पैदा नहीं हो सकते, लेकिन बचपन में पहले इनिशियल प्रोसेस में हम पैट्रियार्की सीखते हैं, फिर वो प्रोसेस बाय प्रोसेस आप धीरे 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 क्लासेस कम्युनल या कुछ भी आप हो जाते हैं समय के साथ. मुझे लगता है सिनेमा का प्रोसेस जो मैं बात कर रहा था उस समय वो यही बात थी कि दरअसल हम ग्रेजुअली पहुँचे हैं यहाँ तक कि 1946, 48, 50s में तो आज़ादी के पहले जो सिनेमा बन रहा था उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं सटल तरीके से कोशिश हो जाती थी कोई बात कहने की, फिर कोई फिल्म बैन हो जाया करती थी. जब आज़ाद हो गए तो वो एक सपना जो हम देख रहे थे, और हम फिल्मों के गाने तक मुझे लगता है वैसे ही लिख रहे थे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, उसमें एक लाइन है आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं. तो वो एक, चूँकि वो जो नेहरूवियन एरा का सपना था, एक नया हिंदुस्तान बनाना है, हम आज़ाद हो गए, ये करना है वो करना है, पर दरअसल शायद वो सपना धीरे धीरे पहले एक अदद नौकरी के सपने में बदला, और फिर धीरे धीरे सब कुछ हासिल करने के सपने बदल गया किसी भी कीमत पर. वो जो किसी भी कीमत पे सब कुछ हासिल करना है, जो हम अभी की पीढ़ी में, हम एक प्रॉब्लम हम अपने आसपास क्या देखते हैं, जो बात शुरुआत में देवाशीष ने कही, और मैं इसलिए ये चाह रहा हूँ कि ये संवाद जैसा ही बने, मैं इसको किसी इंटरव्यू की तरह नहीं करना चाह रहा था क्योंकि देवाशीष आ रहे थे. तो हम जो कुछ देवाशीष ने शुरुआत जहाँ से की थी कि गलत से गलत बात को सही ठहरा ले जाना बिना किसी शर्म के, आंखों में शर्म आए बिना हम चीज़ों को सही ठहरा ले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो एक टेंडेंसी हमने डेवलप की समय के साथ, क्योंकि हम किसी भी कीमत पे सफलता हासिल कर सकते हैं तो हम किसी भी चीज़ को सही ठहराना सीख जाते हैं, वो चाहे अपनी हो, चाहे हमारे फेवरेट किसी नेता की हो, चाहे हमारे फेवरेट अभिनेता की हो, वो कुछ भी हो सकता है. बॉलीवुड में ही कितने लोगों की हिम्मत है, कितने लोग ये साहस दिखाते हैं कि किसी गलत को गलत बोल पाएं खुल के, या फिर उसके बाद उनके साथ क्या होता है, उससे वो डर जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं. ये चीज़ हम लगातार देखते हैं. मेरा सवाल देवाशीष जहाँ से आ रहा है वो ये है कि समाज के तौर पे ऐसा सिनेमा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी तरह का सिनेमा नहीं बनना चाहिए, सबको बनाने का अधिकार है कुछ भी, पर एक समाज के तौर पर क्या हमारा जो इंटेलेक्ट है और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारी जो लाइकिंग्स हैं, उस पर भी तो एक सवालिया निशान है, क्योंकि हम लगातार अच्छे सिनेमा को असफल होने पर, जिसको हम कॉमर्शियल सक्सेस कहते हैं, थोड़ी बहुत भी कॉमर्शियल सक्सेस हमने नहीं देखने दी, और हम बहुत सारा ऐसा सिनेमा पसंद करते रहे, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक महंगा प्रोसेस है जिसमें ढेर सारा पैसा लगता है. आपको एक एक्चुअली आपके सवाल में ही जवाब है ना, जैसे ही आप कमर्शियल वर्ड यूज करोगे, कमर्शियल एंड आर्टिस्टिक सक्सेस, दीज टू सक्सेसेस, दे हैव नेवर गॉन हैंड इन हैंड. बिल्कुल. एक इसीलिए एक कवि जो कविता लिखता है,
वो 12वीं सेंचुरी में भी गरीब मरा, वो 18वां सेंचुरी में भी गरीब मरा, वो आज भी गरीब मर रहा है क्योंकि कविता के लिए कोई पैसे नहीं देता. पर तो इफ यू टॉक अबाउट कमर्शियल सक्सेस, आई विल नॉट ग्रज द ऑडियंस द फैक्ट कि उनको रियलिज्म और अपने मुंह पे तमाचा उनको नहीं चाहिए अगर वो 150 रुपए, 35 रुपए, 300 रुपए देकर जाकर देख रहे हैं कुछ. और वो मैं उनको कभी ग्रज नहीं करूंगा क्योंकि कमर्शियल सक्सेस इस तरह के आर्ट को कभी नहीं मिलने वाला. लेकिन अब वो देवाशीष, इसमें काउंटर क्वेश्चन यही है कि फिर ऐसा सिनेमा एग्जिस्ट कैसे करेगा बिना पैसे. तो मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ. जी, मैंने एक फिल्म बनाई थी अगली बार 2015 में. जी, तो उस वक्त 2015 तक मेरी कुछ 16-17 फीचर फिल्में शुरू होकर बंद हो गई, बन के रिलीज नहीं हुई. तो यही चीज से मैं भी जूझ रहा था कि यार कमर्शियल सक्सेस तो मैं शायद कभी ना देखूं क्योंकि मैं इस तरह की कहानियां कहना चाहता हूं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी फिल्में बनी बने और अपने ऑडियंस तक पहुंचे. तो मैं यही समझ पाया कि मुझे कॉमर्स का मोहताज नहीं होना. तो इसलिए मैंने अगली बार बनाई 25,000 रुपए में, मोबाइल फोन पे शूट की, गंदे से लैपटॉप से शूट की मैंने 5.5 साल पहले. तो ये कॉमर्स को सक्सेस से जुदा करना एक आर्टिस्ट की जर्नी का हिस्सा है और ये हमको कोई नहीं बताता. हमको बॉम्बे सपने लेकर भेज देते हैं लोग. हम सपने लेकर आते हैं कि यार हम हमारी फिल्म की होर्डिंग बनेगी. तो जब हम फिल्म बनाते हैं जैसे अज्जी, जहाँ पे लोग जब जाकर देखते हैं तो शायद देखकर उनको अपने लिए बुरा लगता है, दुनिया के लिए बुरा लगता है, अपने अपनों के लिए बुरा लगता है. उस फिल्म की होर्डिंग क्यों ही लगेगी, उस पर कोई पैसे खर्च क्यों करेगा. तो ये चीज मुझे भी बहुत साल लगे गांठ बांधने को. तो मैं अपने कॉस्ट जितना हो सके इतना कम रखता हूँ और खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ आजकल फेवर्स लेकर, जैसे मैं कॉमर्स का मोहताज ना रहूं. जी, अगली बार की बात की मैं चाहता हूँ कि हम व्यूअर्स को अगर अगली बार की हम एक झलक यूट्यूब पे अभी अभी नहीं दिखाते हैं, एंड में छोड़ते हैं, पूरी फिल्म दिखा देंगे. ठीक है, ठीक है. तो आखिरी में हम फिल्म आपको दिखाएंगे, अगली बार भी दिखाएंगे हम आपको जब ये हम संवाद खत्म करेंगे. वो 7 मिनट की फिल्म है क्योंकि बजट्स भी ऐसे होते हैं ना, जब आप अपनी अपनी आर्ट पेश करना चाहते हो तो आप 2.5 घंटे नहीं ले सकते, आपको 7 मिनट में पेश करना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है. और अगर कॉमर्शियल, आप जब, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जब कलकत्ता से बॉम्बे आए, आप फिल्म बनाने आए? नहीं, आप एड फिल्म बनाते थे? आप एड फिल्म में इन्वॉल्व? नहीं, मैं एडवर्टाइजिंग में था, पर मैं कॉपीराइटर था. तो आप यहाँ पे एड फिल्म नहीं बनाई? तो आप बॉम्बे क्या कर रहे हैं? कलकत्ता से भागने आया. मैं कलकत्ता से बहुत दूर जाना चाहता था और कलकत्ता से सबसे दूर बॉम्बे है, तो मैं बॉम्बे चला आया क्योंकि 2-4 दोस्त भी थे यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे थे. और मुझे नहीं मालूम था कि मैं सिनेमा बनाना भी चाहता हूँ क्योंकि मैं सिनेमा बफ ही नहीं था, मैं फिल्में नहीं देखता था. अच्छा, मैं किताबें पढ़ता था. दिस आंसर वॉज जस्ट लाइक यू नो समवन गोइंग ऑन द गूगल मैप नेविगेशन एंड सर्चिंग आउट कि सबसे दूर कौन सी जगह है, ये इतने 1000 किलोमीटर है, मुझे यहाँ पे जाना है. एक सवाल रुक्मिनी आया है और ये सवाल चूंकि पिछले सवाल से जुड़ा है, बहुत सारा आंसर हालांकि आदर्श ने ये सवाल पूछा है, इसका कुछ हिस्सा तो बता ही दिया है देवाशीष ने. सवाल यही था कि अज्जी शायद 3 करोड़ से कम बजट की फिल्म है, मतलब 3 करोड़ हमने एक पैरामीटर मान लिया, पता नहीं क्यों. तो मुझे लगता है अरे ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, मुझ पे लीगल नोटिसेस आए तो बजट डिस्कस करने को. तो नहीं नहीं ये चूंकि हमने दरअसल जो लोग सिनेमा पढ़ते हैं ना, तो अखबार और मीडिया ने एक पैरामीटर सेट कर दिया है. नहीं नहीं, ये विकिपीडिया पे 3.5 करोड़ लिखा गया है. हाँ, और वो बजट फिल्म का है तो, नहीं, और मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता. तो एक फिल्म राइटर के तौर पे, एक सीनियर राइटर के तौर पे, पहले तो आदर्श मैं अपने एंड पे कहना चाहूंगा कि छोटी फिल्म का मतलब 3 करोड़ से फिल्म की नहीं, कम की फिल्म नहीं है. वो 1 करोड़ से कम की भी हो सकती है और वो 10 लाख से कम की भी हो सकती है ना. आप 5 लाख में, बल्कि आप 10,000 में, अगर आप अच्छे फोन आपके पास है तो आप फीचर फिल्म बना सकते हैं. पहली चीज तो ये, तो ये सवाल, एक सवाल जो इसमें यह है वो ये है कि किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं इस तरह की किसी फिल्म को पब्लिक तक अगर आप लेना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, इनकेस कहीं भी डिजिटल पे या सिनेमा में रिलीज करने में क्या सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं जो आप फेस करते हैं, सवाल ये है इनका. हाँ, और मैं तो इस समस्या के इतने सारे पहलू देख चुका हूँ इतने साल में. मैंने 3 फीचरें बनाई. पहली फिल्म थी ऊंगा जो कभी रिलीज नहीं हुई, तीसरी थी भोसले जो कभी रिलीज नहीं हुई, शायद रिलीज होगी अब, और दूसरी थी अज्जी जो क्योंकि सारे गामा करके कंपनी थी उसके पीछे, उसको एक डिजिटल रिलीज मिली. अब इसका भी जवाब एक एक तरीके से मैं दे चुका हूँ, बट मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कमर्शियल
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे आपकी फिल्म अगर डिपेंड करती है. समझो मैंने अज्जी बनाई, बहुत छोटी फिल्म है, 3.5 करोड़ की नहीं है, बहुत छोटी फिल्म है, और इस तरह की फिल्म है जो आप उस थिएटर में रिलीज नहीं कर सकते जहां दबंग रिलीज होती है, पर हमारे पास उस थिएटर के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है. अब जाकर शायद ऑनलाइन कुछ ऑप्शंस आई हैं, पर जब आप एक फिल्म अलग तरीके से बनाते हो, अलग जरिए यूज करते हो, आपका माइंडसेट अलग रहता है, जिस तरह के लोग जुड़ते हैं उस फिल्म से वो मेन स्ट्रीम से अलग हटके हैं, पर जब रिलीज पे आती है बात, आपको दोबारा से उसी गली में गुजर जाना पड़ता है जहां पे सलमान की फिल्में रिलीज होती है, तो आप एस्केप ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपकी फिल्म को खत्म कर देगी. अगर आपने बकायदा पैसे भी दिए पीवीआर में रिलीज करने को, फ्राइडे जब आपकी पहली स्क्रीनिंग होगी वो कैंसिल हो जाएगी और रात के 11:30 बजे का स्लॉट मिलेगा आपको. आपकी स्टैंडीज और पोस्टर्स वहां से हिला दिए जाएंगे क्योंकि उसमें स्टार्स नहीं है. तो हम पहली गलती तो ये करते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में बात ही नहीं करते. 70-75 साल से हम इंडिपेंडेंट सिनेमा बना रहे हैं, पर हम रिलीज करना चाहते हैं उसी थिएटर में जहां सलमान की फिल्में रिलीज हो रही हैं. आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, पढ़िए चुतियाप है ना, ये हमारा चुतियाप है. और अब जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आई हैं तो उनको भी सर्वाइव करने के लिए बड़ी फिल्में चाहिए उनको. तो अगर एक छोटी सी फिल्म जो समझो 30-35 लाख में बनी, मैं अज्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो फिल्म अमेजोन पे आई है तो मैं आपको लिख कर दावा दे सकता हूँ कि वो 35 लाख में तो नहीं बिकी है, उसे कई कम पैसों में बिकी है. तो यहाँ भी लोगों को बहुत लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि अमेजोन और नेटफ्लिक्स भी अल्टीमेटली बड़ी फिल्म का जरिया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो आर्टिस्टिक सिनेमा के लिए नहीं है. तो वो चैनल क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, हमको उस बारे में चर्चा करना पड़ेगा, हमको वो एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो कभी चेंज नहीं होने वाला. 70 साल से हालत यही रही है. मैं अपने पहले वाले सवाल पे आना चाहती हूँ कि आप जो कलकत्ता से मुंबई आए, भाग के आए, तब आप जो भी आपने सोचा हो, जिस भी वजह से आप आए हों, पर आपने फिल्मों में एक एंट्री ली. आपने ब्लैक फ्राइडे में काम किया, आपने बंटी और बबली में काम किया. ब्लैक फ्राइडे तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि वो इन अ वे इस आपकी जो जर्नी रही है उसका एक बिगनिंग हो सकता है, क्योंकि एक एक पॉलिटिकल फिल्म है, अपने तरीके से एक पॉलिटिकल फिल्म है वो. आप बंटी और बबली के बारे में नहीं, नहीं मैं उसका भी नहीं पूछ रही हूँ. मैं पूछना चाहती हूँ कि ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी भी तो है ना, कि स्ट्रैटेजी भी है और इसमें कई सारी सोच भी गई होगी कि मैं इस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ, किस तरह का मैं क्यों सिनेमा बनाना चाहता हूँ. नहीं, मैं उस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज था 2008-09 तक. तो ब्लैक फ्राइडे मेरी लाइफ में आ गई बस. और क्योंकि मेरा थोड़ा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड भी रहा, तो अनुराग ने कहा रिसर्च कर लो, तो मैंने रिसर्च कर ली. तो उससे मुझे थोड़ा हौसला मिला कि इस तरह की सिनेमा भी बन रही है जहां मैं जुड़ सकता हूं. नहीं तो मैं मुझे उस वक्त 6-8 महीने हो गए थे बॉम्बे में जब ब्लैक फ्राइडे का पे काम करने का मौका मिला, और मुझे हर रात नाइटमेयर्स आते थे कि अगर मैं 2003 नहीं 1993 10 साल पहले अगर बम्बई आता तो मैं किस पे काम करता, आंखें पे, राजा बाबू पे. तो मैं तो उन फिल्मों के बारे में जानता भी नहीं था. तो ब्लैक फ्राइडे ने मुझे बचा लिया, और उस वक्त ऐसी फिल्में नहीं बन रही थी. ब्लैक फ्राइडे वाज अ वेरी रेयर फिल्म व्हिच एक्चुअली रिलीज्ड आल्सो 4 इयर्स आफ्टर इट गॉट मेड, जब माहौल काफी बदल चुका था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर फिल्म मेकर्स लाइक विशाल भारद्वाज पोस्ट 2003. सो आफ्टर दैट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर कि मैं करना क्या चाहता हूँ, कि ये तो एक्सीडेंट था ब्लैक फ्राइडे, मैंने प्लान नहीं किया. तो बंटी और बबली पे चीफ एडी बनने का मौका मिला, और वहाँ पे मेरी ट्यूनिंग जम गई जयदीप सानी और आदित्य चोपड़ा के साथ. एंड दे ऑफर्ड मी एन एनिमेशन फिल्म जो डिज्नी और यशराज की टाई अप थी, दो फिल्मों की. रोड साइड रोमियो पहली फिल्म थी, मेरी दूसरी थी. मैं 3.5 साल प्रोडक्शन में था, मेरी फिल्म ऑलमोस्ट तैयार थी, एंड दे ब्रोक द टाई अप और मेरी फिल्म शेल हो गई. तो मैंने एक्चुअली मेन स्ट्रीम में ऑलमोस्ट 5 साल बिताए, और मैं शायद वो जर्नी कंटिन्यू करता अगर वो फिल्म बन जाती. मेरी 3 फिल्म की डील थी यशराज के साथ. तो अब आप मुझे अगर देखो एज अ फिल्म मेकर तो ब्लैक फ्राइडे मेक सेंस, बट अगर मैं वो जर्नी कंप्लीट करता तो ब्लैक फ्राइडे वुड लुक लाइक एन एबरेशन, कि तुमने ब्लैक फ्राइडे पे कैसे शुरू किया अगर तुमने ऐसी फिल्में बनाई, यशराज वाली फिल्में बनाई. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज दैट एज एन आर्टिस्ट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे विच इज नॉट आर्ट ड्रिवन, इट इज कॉमर्स ड्रिवन, यू डोंट गेट टू चूज योर आर्टिस्टिक जर्नी. You can control it only so much. So somewhere it's a mix of a lot of factors. And a lot of factors worked against me in the earlier years. So I've found the voice that I've found now.
if those factors had not worked against me, I would have found a different voice. And it's really frightening to think that my life right now is an accident or a sequence of accidents. Yeah, but isn't it like that for most of us? Yeah, so that's the beautiful thing about art. That's the beautiful thing about पर आपने आप अब जो जिस तरह की फिल्म बना रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मैं कहूँगी अगली बार बीइंग वन सिंबल ऑफ योर द काइंड ऑफ फिल्म्स यू आर मेकिंग मे बी, वहाँ पे आप कैसे पहुँचे? क्योंकि उसमें एक ट्रांजिशन इस तरह से भी दिखता है कि आपने एक छोटी फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई, और उस पर आपने वो कहा जो आप कहना चाह रहे थे, समथिंग दैट वी कैन फील दैट यू नो वो अपने आप में उसमें इतने इट्स अ वेरी मल्टी लेयर्ड शॉर्ट जिसमें काफ़ी सब टेक्स्ट है, और मतलब चाहे वो नाम का हो चाहे वो जगह का हो, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, वो जर्नी कैसी रही आपकी? Well, yeah, this is a sequence of things not working out, no? That Yashraj film gets shelved, then I try to make 16 other films over those 7-8 years, and they are not getting made, and progressively, I think I'm getting angrier, I'm getting more misunderstood, I'm feeling more rage, which is social, political, all of that rage is channeling into this one medium suddenly, which I embrace. So it took me almost 10 years to embrace cinema, because I faced all that rejection. Nobody wanted my film, so an ugly bar was made almost as, again, excuse my language, as a fuck you. कि तुमको मेरी सिनेमा नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए. तो मैं बहुत छोटी फिल्म बनाऊंगा, 7 मिनट की फिल्म बनाऊंगा, बिना पैसों के बनाऊंगा, बिना टेक्नोलॉजी के बनाऊंगा, पर मैं अपने बलबूते पे बनाऊंगा और जो मुझे बनानी है बनाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है. एंड अगली बार एक्चुअली ओपन्ड अप अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी क्रिएटिवली. आई डिडंट नो दैट आई हैड इट इन मी टू मेक अ फिल्म दैट वॉज सो came from so deep within me that there are no filters. It is, that film is who I am today. And that opened up a lot of channels for other stories. That really led to Ajji, Ajji led to Bhosle. I made a short film of 7 minutes with 25,000 rupees 12 years after I started my film journey in Bombay. A lot of people discouraged me, ki tu abhi short kyu bana raha hai? Abhi to sirf feature pe dhyan de. Aise bhai feature pe dhyan de de kar to meri 16 feature dabbe mein padi hui hai. अब तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. मैं 30 सेकंड की फिल्म बना लूंगा, बट मैं जो कहना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ. तो एक रिवर्स जर्नी रही मेरी फ्रॉम ब्लैक फ्राइडे टू अगली बार. पर एक लेवल का स्टबननेस भी है कि बड़ी फिल्म नहीं तो नहीं बनाएंगे, सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म बनानी ही नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू से व्हाट आई वॉन्ट टू से एंड आई विल फाइंड माई मीडियम. और वो आपने Is that the framework of short films work for you because of that? Because it's small budget and you are actually saying whatever you want to say. Do you earn anything out of it? I only spend my own sweat. Even if there is another producer or a chair or a platform that has backed the film, ultimately I've also spent my money. Because I want to make it the best film possible. So this ties in, the answer to your question ties in with what Mayank and I spoke about a little earlier, that ultimately the responsibility of getting your art out, if you take commerce out of it, rests on the artist himself or herself. We can't put our films at the mercy of the commercial distribution and then say, no, they're fucking us over. They will fuck you over because they are meant for commerce. And we are trying to be artistic. We are not making our films for commerce. So we have to recognize the difference between the two. Lekin, and when you stop, when you take commerce out of it, you know, the kind of freedom that gives you, that just sets you free. That's when what you're seeing as stubbornness is actually me enjoying my freedom. कि मुझे इतनी freedom मिली यहाँ पे क्योंकि मैं किसी के पैसे या time का मोहताज नहीं था कि मैं वापस क्यों जाऊँ वहाँ पे जहाँ मुझे स्टार के वैनिटी वैन डायरेक्टर होकर वैनिटी वैन के बाहर खड़ा रहना पड़ता है कि यार वो कब आएगी उसका मेकअप हो गया कि नहीं. और यहाँ पे मेरी फ्रीडम है, मेरे एक्टर्स कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं, ये उतनी ही उनकी फिल्म है जितनी मेरी फिल्म है, तो मैं वापस वहां क्यों जाऊं? सो इट्स मोर देन स्टबर्ननेस, इट्स आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द मीडियम, आई फाइनली एम्ब्रेस्ड सिनेमा. हाँ सॉरी मैं क्या कह रहे हैं? हाँ मैं, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि ये मीडियम कॉमर्शियल हो ही नहीं सकता, पिछले एक लंबे समय में जिसको मैं करीब 5 से 8 साल का एक वक्फा है, एक ड्यूरेशन है, जिसमें लगातार ये बात होने लगी है जो कही जाती है, मुझे नहीं पता मतलब इसको कुछ हिस्से में मैं झूठ देखता हूँ, कुछ हिस्से में सच देखता हूँ,
कि अब कॉमर्शियल सिनेमा में एक स्पेस बन गया है अच्छी कहानियों के लिए, ये बात भी बार बार कही जाती है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कॉमर्स की जगह ही नहीं है, तो इसको फिर कैसे देखा जाए? दूसरा, अपनी फिल्म बनाने के लिए आर्ट की जगह नहीं है, आर्ट की जगह नहीं है, आर्ट की जगह नहीं है, और क्योंकि ये बात तो हम पिछले 8 साल से कम लगातार सुन रहे हैं। ये अलग बात है कि ऐसी कोई फिल्म अभी तक मुझे भी नहीं मिली है जिसको लेके मैं ये कहूँ कि ये कोई आर्ट का काम है, पर सच बोलो तो वो बीच की फिल्में हैं जो कहीं ना कहीं एक बैलेंस तैयार करती हैं, और जैसे एक आर्टिकल 15 जो आज हासिल कर रही है एक बैलेंस लाकर बिटवीन ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट टू द फिल्म मेकर्स पॉलिटिक्स एंड हैविंग अ स्टार एंड ब्रिंगिंग इन द क्राउड्स, वो राज कपूर भी करते थे ना। कहीं ना कहीं उनका सोशलिज्म हर फिल्म में एक बिल्कुल बरकरार था, पर वो 6 गाने भी थे और वो मेलोड्रामा भी था और वो परफॉर्मेंसेज और सेटअप उस फिल्म का, वो स्केल उस फिल्म का ऐसा था कि लोग पैसे देकर आते थे। तो एक बीच का रास्ता लोग अपना सकते हैं, बट अगर आप प्योरली आर्टिस्टिक होना चाहते हैं, रीजनल सिनेमा एक्चुअली कर चुका है। मलयालम फिल्म मेकर्स पैसे कमाते हैं अपनी फिल्म बनाकर, एक नागराज मंजुले फैंड्री से पैसे कमा सकता है, बट हिंदी सिनेमा में मुझे जहां तक समझ आई है वो बहुत मुश्किल है। और अगर आप एक बीच का रास्ता निकाल सकते हो, जैसे अनुभव सिन्हा ने कभी कभी ऑन अ गुड डे, अनुराग कश्यप भी एक बीच का रास्ता निकाल लेता है, तो फुल पावर टू देम। पर मुझे कहीं ना कहीं वो बीच का रास्ता जब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मुझे 10 चीजें कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिख जाती है, तो मैं अभी तक वो नहीं ढूंढ पाया हूँ बीच का रास्ता। देवाशीष, आप थोड़ा सा अपने राइट में अगर होके बैठे, बस 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 बस, क्योंकि आपका कुछ लोगों ने मैसेज किया कि देवाशीष का आधा चेहरा दिख रहा है, तो मैंने मैसेज किया है वापस, हालांकि जवाब में इसको आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है, आर्टिस्टिक चॉइस है, मैंने कहा कि आप इसको आर्ट की तरह देखिए, हाँ आप इसको आर्ट की तरह, यही मैसेज किया है मैंने, एज लॉन्ग एज आवाज आ रही है और मैसेज हाँ पहुंच रही है सब कुछ। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है, इसलिए वो तो आप हो, आप तो दिख ही नहीं रहे। जी जी, मैं तो बिग बॉस की आवाज हूँ इस शो में, मैं लोगों को दिख रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा हूँ। तो मैं तो कहने वाला था आप मोदी की आवाज के जैसे, पूरे लॉकडाउन में 3 बार दिखे कुल मैं मिलाकर। शाम के वक्त बचता हूँ नाम लेने से। तो देवाशीष, एक सवाल ये है कि कितनी कोशिश ये होती है काम करते समय, जैसे कि और 2 फिल्में देखी मैंने और मैंने भोसले देखी, तो मुझे लगा कि ऑनेस्ट वो है, इनिशियली ये लगा था फिल्म देखने कि देवाशीष को मनोज वाजपेयी को कास्ट करने की क्या जरूरत थी, इट वाज जस्ट लाइक दैट यू नो कि तो क्या ये जरूरत होती है कई बार, ये जरूरत की वजह से किया गया कि आपको वही आदमी उस करेक्टर में चाहिए, या कई बार इसलिए करना पड़ता है कि ऐसा करेंगे तो लोग ज्यादा फिल्म देखेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब बहुत सीधा हाँ ना ये या वो नहीं है। और भोसले, जैसे भोसले मैंने लिखी थी 2010-11 में मेरे को राइटर मिराद के साथ जी, और 2011 में प्रोड्यूसर मिले, फिर 2013 में वो मुकड़ गए, फिर 2014 में प्रोड्यूसर मिले, 2015 में मुकड़ गए, तो कई बार बनते बनते नहीं बनी। फिर मनोज मेरी लाइफ में आए और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और वो आए तो वो 5 प्रोड्यूसर लेकर आए, तो अगर वो नहीं आते तो ये फिल्म नहीं बनती। तो इसका मैं जवाब कैसे दूं कि मनोज को मैंने कास्ट किया क्योंकि उनके वजह से लोग आएंगे देखने को, ये तो बाद की बात है, अगर वो नहीं आते तो फिल्म नहीं बनती। वो तो लोग तो वैसे भी नहीं आए ना देखने को क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई। जी जी जी, कहीं ना कहीं ये जैसे मैं कह रहा था वो बीच का रास्ता ना, तो कहीं ना कहीं शायद भोसले मेरे लिए वो पहली फिल्म थी जहां मैं बीच का रास्ता ढूंढने निकला हूँ, और कहीं ना कहीं मनोज जैसे जुड़े मेरे साथ, एक तांडव बनी, एक घोसले बनी और लोग मुझे एज अ फिल्म मेकर पहचानने लगे जो 10 साल तक नहीं पहचान पा रहे थे। जी जी, आपका तो वो बीच का रास्ता। आपका वीडियो फ्रीज हो गया है देवाशीष, शायद इंटरनेट लैग की वजह से, आप इसको अगर एक बार वीडियो केवल ऑफ करके ऑन करेंगे तो वो शायद आ जाएगा। वो कैमरा जो है उसको ऑफ करके ऑन कर दीजिए। हाँ, आया जी, आप आ गए हैं, बस इतना हुआ है कि आप रुक्मिणी की जगह आ गए हैं, रुक्मिणी आपकी जगह आ गई है, तो let me switch that, I'll do that, don't worry. No, don't switch that. Only the names are different, right? That's okay. नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा जो गेस्ट है उसका फ्रेम थोड़ा बड़ा था। अच्छा अच्छा। तो हाँ मिनी, मेरा और आपका फ्रेम थोड़ा छोटा है और छोटा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये करना पड़ता है, हम सब जानते हैं ये करना पड़ता है, ये बात हम इसलिए अभी बता दे रहे हैं, इसका और कोई पर्पस नहीं है, हमारा कन्वर्सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और आर्टिस्टिक सिनेमा में फ्रेम का साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार में बहुत सारी चीजें छोटी फ्रेम में होती है। जी जी, ये बात
कह के आपने अपने बड़प्पन का जो है सबूत दिया है। और ये सब बातें हम मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को अजीब ना लगे और बोर ना हो आप लोग। तो जब कोई गलती हो तो उसको फट से पहले ही मान लो तो डांट कम पड़ती है। ये सवाल जो मैंने किया था, मैंने इसलिए किया था, इसमें एक बहुत मज़ेदार कमेंट गौरव ने किया कि चूंकि वो फिल्म वाली बात हो रही थी, लोग देखते नहीं, तो गौरव ने अभी हमारे लाइफ में कमेंट किया है कि 7 मिनट की फिल्म बनाने का एक फ़ायदा ये है कि कोई बीच में छोड़ के नहीं भाग सकता है। तो बहुत सारे सवाल सवाल भी आ रहे हैं। एक सवाल जो आया था, मुझे लगता है रुक्मिणी ने शायद पूछ लिया है, मयूरी जोशी धवले का सवाल था कि रुक्मिणी वॉज अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन वॉट ब्रॉट यू इन टू सिनेमा। आई बिलीव कि उसका आंसर दिया जा चुका है शायद। नहीं, फिर भी हाँ पूछते हैं इसको, और जी मैं पूछ और लेते हैं इंटरेस्टेड हूँ उसको जानने में जी कि व्हाट ब्रॉट यू इनटू जी सिनेमा। तो मैं बंबई तो सिनेमा में काम करने नहीं आया था, पर बैक इन कैलकटा, लाइक अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स इन कैलकटा इन द 80s एंड 90s इन कैलकटा वॉज आर्टिस्टिकली अ वेरी रिच टाइम। एक्चुअली कैलकटा बंगाल वॉज अ वेरी रिच आर्टिस्टिकली टिल द 90s, एंड आफ्टर दैट इट्स ओनली बीन गोइंग डाउन हिल। तो आई वॉज एन आर्टिस्ट, आई वॉज अ सिंगर, मेरी बैंड थी, मैं डांसर था, क्या मैं बात है, लेखक था, मैं कई सारी चीज़ें करना चाहता था अपनी लाइफ के साथ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कई इतनी सारी चीज़ों में अपनी पूरी लाइफ कैसे लगा लूँ, क्योंकि वो एक चीज़ मास्टर करने में कभी कभी पूरी लाइफ लग जाती है। तो यहाँ मुझे एक मीडियम दिखा बम्बई आकर, जहाँ आप सब कुछ कर सकते हो, तो वो मुझे आकर्षित करी वो ऐसा बात। ऐसा हुआ। कुड यू बंटी और डांस, बंटी और बबली पे हुआ, कुड यू डांस, मतलब नॉट नॉट इन फ्रेम, आउटसाइड हाँ, फ्रेम। But you danced in Tandav. I noticed that you're dancing in Tandav, right? देर आर या There's a glimpse of you dancing. एंड व्हाट अबाउट द बैंड, बैंड का नहीं, क्या हुआ? हाँ, वी हैड अ बैंड, हमने बहुत परफॉर्मेंसेस किए, जी वी वर अ रॉक बैंड, पर जी मेरे बाकी जो साथी थे बैंड में, उन सब ने कैट दिया, MBA करी और जी पैसे कमाने में जुट गए, तो मैं ही रह गया बस। तो म्यूजिक बैंड एडमिनिस्ट्रेटर से वो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, है ना, एग्जैक्टली। एमबीए। बट और तो अब आप तीस गाते चालीस क्यों? ऊपर हो चुकी है सबकी, सब हाँ अब मुझे कभी कभी मैसेज करते हैं, ब्रो रियली मिस द बैंड, मैंने एक कीबोर्ड खरीदा है। सर अब कीबोर्ड खरीद के क्या फायदा यार, वो गाड़ी निकल चुकी बट देवाशीष, ये सच है, मेरा मेरा सपना था बैंड का, और कॉलेज टाइम में हुआ करता था, फिर सब छूट गया, लेकिन मैं भी मुंबई आके ही शुरू कर पाया वो चीज़ें। मुंबई के पहले हाँ 10-12 साल कुछ नहीं किया मैंने म्यूजिक। पर आप गाते थे, क्या करते थे? तो मैं गाता था, मैं लीड आप कुछ सिंगर गा था। के सुनाइए ना यार, बिल्कुल नहीं, मैंने 18 साल क्यों? रियाज नहीं करी है। अब ये समझिए कितना की मोमेंट होगा आपकी लाइफ में, कितना सिग्निफिकेंट मोमेंट कि आप अभी कुछ गाएंगे लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल नहीं, मीडिया विजिट में तो बिल्कुल बैंड से मैं एक बात शेयर करती हूँ। जी जब आप ब्लैक फ्राइडे में काम कर रहे थे, उसमें जो बैंड था इंडियन इंडियन ओशन। ओशन, हाँ तो जी, वन ऑफ द फाउंडर्स इज माय कजन आई नो, सुष्मित सेन, यू नो, राइट एंड राइट, आई वाज हैंगिंग मुझे आउट मुझे विद नहीं पता, आई नो आई नो। विद द बैंड उस ओके, वक्त। तो मैं, हो सकता है आई माइट हैव बम्प्ड इनटू यू अराउंड दैट टाइम, बिकॉज वो एक होटल में आप लोगों ने ठहराया था उन लोगों को बिल्कुल एक बिल्कुल। महीने के लिए। और उसके तो मैं बाद हाँ, भी, वो स्टूडियो में हमने लॉक इन किया था उनको, पूरा हाँ, दिन वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो पूरा एक महीना मैं भी वहीं पे थी, मोर और लेस, इन इनफैक्ट एंड आउट। ब्लैक फ्राइडे के बाद मैंने अभीक मुखोपाध्याय, जो DOP हैं, बंटी और बबली शूट की थी उन्होंने, तो हमारी बहुत ट्यूनिंग जम गई थी, दोनों बंगाली, दोनों आर्टिस्टिक, दोनों बॉम्बे में एकदम खोए हुए। तो हमने एक वी जैम्ड ऑन अ स्टोरी, एंड आई रोट हिज फिल्म, हिज फर्स्ट फिल्म, अ फिल्म कॉल्ड भूमि, विच इंडियन ओशन गिव द म्यूजिक फॉर, एंड दे गेव सिक्स फाइव और सिक्स ओरिजिनल सॉन्ग्स फॉर इट, और वो बन के डब्बे में पड़ी हुई है 2008 से। और मैं, मुझे भूमि के बारे में नहीं पता था। अभी मैं एक्चुअली, मैं आपकी तस्वीरें कुछ ढूंढ रहा था हाँ गूगल पे वो पोस्टर के लिए, तो अचानक मैंने देखा, एक लिंक देखा, तो मैं गया हूँ, तो मैंने देखा, अरे भूमि भी इन्होंने लिखी है, तो आई डिडंट नो अबाउट दैट और भूमि इंडियन आपने ओशन लिखी ने है। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया, ऑल ओरिजिनल ट्रैक्स इन दैट फिल्म, और कुछ नहीं हुआ उस फिल्म का। सो दैट इज व्हेन आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली विद देम, आई डिडंट गेट दैट टाइम ऑन ब्लैक फ्राइडे। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब ये इट्स जैसा, ये मजाक है बस, जिन चीजों पे आप बहुत ज्यादा वक्त लगा रहे हैं वो हो नहीं रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये बहुत यार, ये बहुत पेचीदा सवाल है, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। जी बहुत सारे लोग ना, मैं थोड़ा इससे डिपार्ट करता हूँ, इसी चीज़ को लेकर कुछ कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, तो जब मैं बहुत प्री प्रोडक्शन और बहुत वक्त लगाता हूँ हर आइडिया, हर स्टोरी पे, बहुत वक्त, मैं हो सके तो एकदम तह तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो कई सारे लोगों ने मुझे बहुत नसीहत दी उन 10-12 सालों में कि तुम्हारी चीज़ें बन नहीं रही हैं क्योंकि तुम बहुत डीप जाते हो।
थोड़ा फटाफट करो, जैसे बहुत सारी चीजें हो तो शायद एक के बनने की गुंजाइश बढ़ जाए। और जब मैंने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया तो फटफट फटफट एक ही साल में चार बन गई। तो मैंने एक्चुअली सोचा इसके बारे में कि यार वो एक क्रिएटिव इम्पल्स और क्रिएटिव इंस्टिंक्ट में क्या फर्क है, क्योंकि वो लोग जो मुझे ये नसीहत दे रहे हैं वो बना तो लेते हैं पर 10 में से एक चीज शायद क्वालिटी की बनती है। तो क्या मैं इम्पल्स को इंस्टिंक्ट से ज्यादा प्रायोरिटाइज करूँ, क्या इंस्टिंक्ट को इम्पल्स से ज्यादा प्रायोरिटाइज करूँ? तब मुझे समझ में आया कि वो 8-10 साल ना किसी भी आर्टिस्ट को लगता ही है अपनी वॉइस ढूंढने को। तो उस वक्त आपकी किताबें नहीं छपेंगी, आपकी कहानियां नहीं छपेंगी, आपकी कविताएं कोई सुनने को तैयार नहीं होगा, आपकी फिल्में नहीं बनेंगी, पर वो 10-12 साल बाद जब आप अपनी वॉइस के तह तक पहुंच चुके हो तब चीजें और फास्ट होने लगेंगी, क्योंकि तब तक आप तैयार हो चुके हो और आपकी स्टोरीज तैयार हो चुकी है, आपकी वॉइस तैयार हो चुकी है। तो वो इम्पल्स को कभी मैंने इंस्टिंक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैं आज तक इंस्टिंक्ट को प्रायोरिटाइज करता हूँ। तो हाँ, मैं आज भी टाइम लगाता हूँ, सिर्फ ये क्या है कि 10-12 साल में लगा चुका हूँ और वही स्टोरीज में आज तक कह रहा हूँ। जब ये स्टोरीज खत्म हो जाएंगी और मुझे नई स्टोरीज की जरूरत पड़ेगी शायद तब मैं फिर से थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा। देवाशीष कुछ क्योंकि ये सवाल इसलिए दिमाग में आ रहा है कि मुंबई में एक सवाल है सर्वाइवल का, टिके रहने का, और क्या कॉमर्शियल काम करते हैं आप, कर रहे हैं अपना जो बना रहे हैं उसके अलावा? हाँ नहीं, ये भी बहुत मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना। जैसे मैं अभी जनवरी और फरवरी में हम लोग एक छोटी टीम बनाकर हम भोपाल में मेरी 2 शॉर्ट फिल्म शूट करके आए और एक फिल्म रुक्मिणी देख चुकी हैं, और वो मैंने जितने भी पैसे बचाए थे पिछले 5 साल में मैंने सारे पैसे उसमें लुटा दिए। मैं 890 रुपये अपने बैंक अकाउंट में लेकर वापस आया और मैं सोचा कि 2-3 प्रोजेक्ट्स होने वाली थी जो मैं डायरेक्ट करने वाला था, मैं सोचा उससे थोड़े पैसे जो आएंगे मैं बहुत कम में मेरा गुजारा हो जाता है, मैं पैसे खर्च नहीं करता। और जैसे ही मैं आया लॉकडाउन हो गया तो मेरा पैसा कमाने का जरिया सिनेमा नहीं है, आर्ट नहीं है, मैं बहुत ही फालतू काम करता हूँ पैसे बनाने के लिए, मैं सबटाइटल्स लिखता हूँ कभी कभी। तो मैंने ये समझ लिया बहुत पहले कि अगर मैं अपने आर्ट से पैसे कमाने की कोशिश करूंगा ना मैं हमेशा ब्रोकन हार्टेड रहूंगा, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि कोई मेरी कदर नहीं करता जी। मेरी मार्केट रेट होनी चाहिए इतनी पर लोग मुझे दे रहे हैं इतना, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो मैं अपने आर्ट से तो पैसे कमाने की सोचता ही नहीं हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ कहीं और। तो सबटाइटल्स मैं लिखता हूँ जैसे कोई मजदूर मजदूरी करता है, मुझसे जो मांगा जाता है मैं वो लिख के देता हूँ, मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना रेंट दे देता हूँ, मेरा खाना गुजारा हो जाता है। मैं यहाँ थोड़ा सा दार्शनिक की तरह बात करना चाहता हूँ इस बारे में। मिनी परेशान मत होइएगा। तो मैं ये सवाल जो है ना, ये सवाल मुझसे एज अ पोएट पूछा गया था एक लिटरेचर फेस्टिवल में, और चूंकि मैं ज़्यादातर जगह जाता नहीं हूँ लिटरेचर फेस्टिवल्स में, तो और एक जगह तो मुझे इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि मैंने ये सवाल स्टेज से पूछ लिया था कि आप आदिवासियों पे सेशन कर रहे हैं और आपके सेशन का स्पॉन्सर जो है एक बड़े कॉरपोरेट की स्टील कंपनी है जो आदिवासियों को हमेशा जो है डिस्प्लेस कर रही है, तो मुझे उसके बाद से बुलाया नहीं गया। तो एक लिट फेस्ट में ये सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आप लोग जिस तरह की कविता लिखते हैं तो कवि को पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो जो बात आप कह रहे हैं मुझे याद है, मैंने यही कहा था कि मुझे अपनी इस कविता का पैसा कोई देगा तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुझे पैसा देगा कविता लिखने का तो कुछ दिन बाद मैं वैसी कविता लिखूंगा जैसी वो चाहता है। Exactly. और कबीर जो थे, हम अगर एग्जाम्पल लें कबीर पे हम चले जाएं, तो कबीर का पेशा क्या था? कबीर का पेशा कविता लिखना नहीं था, वीवर। तो इसलिए हम जो काम, ये जो कॉमर्शियल काम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो एक वीविंग का हमारा पेशा है जिससे घर चल रहा है। बिल्कुल, कविता हम वही लिख रहे हैं जो हमारा मन है उस पैसे से अपना घर चला के। और मैं इसी चीज पे मैं 2 एग्जांपल्स हमेशा देता हूँ। मैं काफ्का का एग्जांपल देता हूँ जो अकाउंटेंट थे जी, और उनका तो उनकी नैरेटिव अलग थी कि उनकी किताब पब्लिश नहीं हुई, वो चाहते थे कि पब्लिश हो, बट अगर वो अपनी किताबों से पैसे कमाते तो हमारे पास वो काफ्का का जो बॉडी ऑफ वर्क है वो हमारे पास नहीं होता। और एक और चीज, मैंने नूरी बिल चलान करके एक फिल्म मेकर है, ये है यूरोप में, उकान में 2-3 बार ग्रैंड जूरी प्राइज ले चुके हैं। तो नूरी बिल चलान से मैं 2014 में केरला में वो चीफ गेस्ट थे तो वहाँ मैं मिला उनसे, तो ऑडियंस से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की हमारे सरकार के बारे में कि यार आपके यहाँ आपकी सरकार आपकी फिल्म को फंड करती है, हमारे यहाँ सरकार हमको नहीं पूछती। तो उसने एक रिवर्स पर्सपेक्टिव दिया, उसने कहा कि यार सरकार ठीक है हमको बकायदा पैसे देती है फिल्म। वॉइस अटक गया है किसका? वॉइस अटक गया इसका? रुपये मुझे तो सबका मिल रहा है।
अच्छा, एक मिनट जी ले, मेरे मेरे उसमें कोई बात नहीं, ठीक जी है, जी प्लीज जी प्लीज जी कंटिन्यू। हाँ, तो नूरी नूरी ने कहा कि वी गेट मनी फ्रॉम आर गवर्नमेंट, येस टू मेक आर फिल्म्स, बट वी गेट दैट मनी ओनली फॉर द फिल्म्स एंड वी हैव टू रेज अ बिल इवन फॉर अ कप ऑफ कॉफी ऑन द सेट. सो येस वी मैनेज टू मेक आर फिल्म्स बट वी डोंट मेक अ लिविंग ऑफ आर फिल्म्स. ही सेड यू गाइज आर फॉर्चुनेट दैट यू हैव एन इंडस्ट्री वेर यू हैव सो मेनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज विद इन द इंडस्ट्री दैट यू डोंट नीड टू लुक फॉर वर्क आउटसाइड द इंडस्ट्री टू मेक अ लिविंग. ही सेड आई टीच, माई डीओपी रन्स अ कैफे, माई वाइफ टीचेज, वी आर पोस्ट 5 PM फिल्म मेकर्स, वी कांट ड्रीम ऑफ मेकिंग फिल्म इन आर डे टाइम बिकॉज वी वोंट हैव मनी टू ईट. सो ही मैं ब्रॉट अ रिवर्स पर्सपेक्टिव जी टू. इसीलिए सवाल मेरा था क्योंकि मैं एक एक फिल्म पर फेस्टिवल जैसे में, जी मेरी एक मैं बस ये, मैं हाँ हाँ प्लीज ये प्लीज छोटा सा नोट पूछिए। जो है, मैं क्योंकि आप जो बता रहे हैं, मैं एक फिल्म फेस्टिवल में जब ईरानी फिल्म मेकर से कुछ मिला, क्रू से उनके, तो मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आप शाम को शहर में, उन्होंने एक घर ले रखा था रेंट पे एक हफ्ते के लिए, और वो शहर जहाँ पे वो फिल्म फेस्टिवल होता है बड़ा खूबसूरत शहर है समंदर किनारे हिंदुस्तान में. तो मैं जब उनसे मिलने गया, उनके जो उन्होंने फ्लैट ले रखा था, तो मैंने देखा कि उनकी फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी, जो लीड एक्टर था, और जो और सपोर्टिंग कास्ट थी इंक्लूडिंग डायरेक्टर, वो सब एक साथ बैठे थे. कोई मटर छील रहा था, कोई स्वेटर बुनने में लगा था, कोई कुछ और काम कर रहा था. एंड देन जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, उससे पता चला कि अगर वो इस तरह से नहीं रहे तो जिस तरह की रिजीम में वो हैं, जो वहाँ पे सेंसरशिप्स हैं, वो अपना काम ही नहीं कर सकते हैं दरअसल. तो तमाम एक्टर्स जो हैं वो बिना पैसा लिए, और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, बिल्कुल हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग, एक पंजाबी के फिल्म डायरेक्टर हैं राजीव कुमार, और राजीव अपना सिनेमा बना रहे हैं पंजाबी का, जो बमुश्किल कोई फिल्म 2 लाख रुपए और फीचर फिल्म बनाते हैं, फीचर लेंथ की कोई फिल्म 2 लाख की होती है, मैक्सिमम उनकी शायद सबसे महंगी फिल्म 12 या 13 लाख रुपए की है, और वो सारी फिल्म क्राउड सोर्सिंग, क्राउड फंडिंग करके बनाते हैं, और उनके सारे एक्टर्स, उसमें कोई टीचर है कहीं पर, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ और बिल्कुल काम करता बिल्कुल है, अलग अलग शहर, और वो कास्ट से लेकर, अभी उनकी एक फिल्म थी चाम, जो पंजाब में कास्ट का इश्यू जो है, जो चमड़ा निकालते हैं जानवरों का, और ड्रग्स का जो पूरा मामला था उस पर, बहुत खूबसूरत एक फिल्म, और ऐसी ही फिल्में नेशनल अवार्ड उनकी फिल्म को मिल चुका है. तो वो ऐसा सिनेमा बना तो रहे हैं, पर जो बात आपने कही, वो सिनेमा वैसे ही बन पा रहा है. पर और क्या मेरा इसमें एक सवाल ये है, जी मैं देवाशीष से, कि क्या इसका मतलब है कि हमको सरकार से मदद नहीं चाहिए? क्या सरकार की ऐसी एजेंसीज नहीं होनी चाहिए जो फिल्म को आर्ट की तरह देखे और सपोर्ट करे? नहीं रुक्मिणी, वो तो चाहिए, बट इवन इन द पास्ट जब सरकार कर रही थी, एजेंडा से ही कर रही थी ना, तो क्या हम पूरी जिंदगी बैठे रहें कि कभी ना कभी सरकार करेगी? क्या वो हमारा जुनून है कि हमारी सिनेमा बनाना हमारा जुनून है? मैं आई एम स्पीकिंग एज अ फिल्म मेकर, आई यस कांट कीप वेटिंग फॉर दैट टू चेंज. आई हैव टू चेंज इट फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई एम हियर टू मेक फिल्म. आई हैव टू एम्पावर माई सेल्फ लाइक जॉन इब्राहम. जॉन इब्राहम ऑल्सो वेंट अराउंड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम आदिवासीज, मेड फिल्म फॉर आदिवासी, शोड देम टू आदिवासीज. बट ये है कि 20 साल में वो क्या 4 या मुश्किल से 5 फिल्म बना पाए? बट दोज चॉइसेस आर इंडिविजुअल चॉइसेस. सो आई चूज टू साइन आउट ऑफ दैट फाइट ऑफ मेकिंग द सरकार आंसरेबल एट एवरी स्टेप बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. वो सरकार गिर जाती है, दूसरी सरकार आती है, आप जीरो से शुरू करते हो. और मैं वो करूं कि अपनी हाँ, फिल्में बनाता रहूं और ये चीज को अपनी फिल्मों में रिफ्लेक्ट करूं. प्लस विनी एक और चीज है, हमारे यहाँ और ये सर्टिफिकेशन, हर हम लोग जो हर हर लड़ाई, मतलब थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग लड़ रहे हैं, जी ये दिस कैन बी ऑल्सो टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग। इट इज ये इट इज अगर सिस्टम के लेवल पे कभी चेंज हो तो माइट बी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल बी नेसेसरली वेरी गुड फॉर अस ऑल द टाइम, बिकॉज एज यू सेड, सरकार विल ऑलवेज, द गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव इट्स ओन एजेंडा नो, आई हियर एंड यू, आई हियर यू. इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सस्टेन इट एट एन इंडिविजुअल लेवल. बट अगेन आई विल ब्रिंग अ फ्लिप पर्सपेक्टिव. आई टेल अ लॉट ऑफ द पीपल हु वर्क विथ मी, आई रिमाइंड देम दिस ऑल द टाइम दैट द फैक्ट दैट यू आर गेटिंग टू वर्क एट योर आर्ट एवरी डे ऑफ योर लाइफ इज अ प्रिविलेज बिकॉज यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट 2 मील्स अ डे. सो आई ट्राई टू सी इट थ्रू दैट लेंस कि मैं वो इंसान नहीं हूँ, आई एम प्रिविलेज कि मुझे अपने बच्चे और बीवी को लेकर 1200 किलोमीटर चलकर अपने गांव नहीं जाना पड़ रहा है. इसलिए मैं अपने आर्ट के बारे में यहाँ बैठकर एक स्काइप चैट पे बात कर सक रहा हूँ आप लोगों के साथ, और वो प्रिविलेज मैं उसको नजरअंदाज कभी नहीं करूंगा. सो एज लॉन्ग एज इट्स अ लग्जरी टू एक्सरसाइज माई आर्ट, आई विल बी थैंकफुल फॉर व्हाट आई कैन डू. लगभग यही एक सवाल आया था मयूरी का कि हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज टू बी क्रिएटिव इन दिस इंडस्ट्री।
कि इस इंडस्ट्री में जिसको हम सिनेमा कहते हैं, वहाँ पे क्रिएटिव होना क्या फ्रस्ट्रेटिंग है कई बार? है मतलब मेरे आई थिंक जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ मेरी सारी चीज़ें पिछले 1 घंटे से, आई थिंक मेरी फ्रस्ट्रेशन बहुत जाहिर है। इसीलिए मैं इंडस्ट्री के मार्जिन्स पे ही रहना चाहता हूँ, मैं उसके सेंटर में नहीं पहुँचना चाहता। इसलिए मैं बच्चों की किताबें लिखता हूँ। मैंने अपनी नॉवल कल एडिट करके ख़त्म की, पब्लिशर को भेजा, वो इस साल निकलने वाली थी पर लॉकडाउन में क्या होगा पता नहीं। तो मैं अपने आप को कई मीडियम्स में बिखेर देता हूँ, जैसे मैं सिर्फ सिनेमा का मोहताज ना रहूँ। इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज मीडियम दैट इज ड्रिवन बाई कॉमर्स दैट नीड सो मच मनी दैट इज समबडी एल्सिस मनी कैन नॉट बी आर्टिस्टिकली फुलफिलिंग एट द एंड ऑफ द डे। यू हैव टू फाइंड अदर वेज टू फुलफिल योर सेल्फ। एवरीबडी फ्रॉम मखमल बफ टू किरोस्तामी, दे डिडंट फाइंड देयर ऑल देयर फुलफिलमेंट थ्रू देयर सिनेमा। दे वर आर्टिस्ट, दे वर म्यूजिशियंस, दे वर किरोस्तामी इज अ ब्रिलियंट पोएट, सो दे डिवाइडेड देमसेल्व्स ओवर मेनी मीडियम्स। हमारी जो I think that's something to for all the यस younger people who are watching this show. I mean that's a good takeaway because that's a struggle and that's a strategy that takes a while to kind of process and understand and या come to. कि इनफैक्ट दोस 8-10 years माय फिल्म्स वर्न बीइंग मेड, आई रोट टू चिल्ड्रंस बुक्स दैट बिकेम बेस्ट सेलर्स इन द सीबीएसई सिलेबस। आई डिडंट एक्सपेक्ट यस दैट। मेरे 1 महीने का रेंट आज तक उन किताबों से आता है हर साल, व्हिच इज क्या अ बात लॉट। है, 1 month of rent from a children's book every year. क्या बात I है। ended up doing an art show, I ended up doing a book of short stories because my films were not getting made. So I would not like to be at the mercy of cinema if I can मैं help. बता देना चाहता अपनी हूँ अपनी उन किताबों के बारे में दो। थोड़ा हाँ, बताइए, है पहले तो मैं बता दूँ ना? जो लोग देख रहे हैं, 2 किताबें हैं जिसमें से एक का नाम है व्हेन अली बिकेम बजरंगबली एंड द सेकंड बुक इज व्हाई पपलू वाज परप्लेक्स्ड। ये मैंने पढ़ी है। तो ये 2 किताबें हैं जो बच्चों के लिए लिखी हैं, और मुझे नहीं लगता कि शायद हम अभी किसी साहित्यकार को भी बिठा लेंगे ना हिंदी अंग्रेजी के, तो उसने बच्चों के लिए कोई किताब लिखी होगी। तो इसलिए इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कम किताबें लिखी जाती हैं। देवाशीष, क्यों लगा कि बच्चों के लिए किताब लिखी है? मैं बहुत ही क्लियर आंसर है इसके लिए, क्योंकि उस वक्त जब मेरी फिल्में, यशराज की फिल्में शेल्व हुई थी और मैं चला गया था उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आदिवासी और नैक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट को समझने कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्या न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स मुझ तक सही बात पहुंचा पा रही है। तो मैं जो 5 हफ्ते वहां पे था, मुझे समझ में आया कि मैं ये ज़िंदगी भर अपनी फिल्मों में डालूँ ना, तब भी बहुत ही छोटा परसेंटेज है ऑडियंस का जो मेरी फिल्में देखेगी, तो मैं किस ऑडियंस से अपनी बातें कहूँ। तो मुझे समझ में आया कि मैं सबसे रिसेप्टिव था जब मैं बच्चा था, और जब मैं बच्चा था और जो चीज़ें मैं पढ़ता था ना, वो चीज़ें आज तक मेरी जहन में। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पॉलिटिक्स अपनी रिलीजन, कास्ट, क्लास और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स बच्चे के सामने कैसे रखूँ। तब मैंने जब अली बना बजरंग बली वो किताब लिखी जिसमें डेवलपमेंट, क्लास, रिलीजन तीनों पॉलिटिक्स एक कहानी में, और वो जिस तरीके से वो उसकी जो आउटरीच रही है मेरी शायद पूरी फिल्मोग्राफी की पूरी जिंदगी में नहीं रहेगी। आपने बच्चों के लिए फिल्म बनाने की सोची? बिकॉज नहीं कर पाऊंगा, वो एक अलग लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए होती है उसके लिए, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। पर मैं किताबें, मेरी नॉवल भी अब यंग एडल्ट फिक्शन है, मैं एडल्ट के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मेरी पहली फिल्म जो आई थी उंगा, जो रिलीज नहीं हुई और शायद कभी नहीं होगी, मैंने उसको एक यंग एडल्ट नॉवल में कन्वर्ट किया है और वो इस साल छपने वाली है। वाई पपलू वॉज परप्लेक्स के बारे में कुछ हाँ जी, बात आप, अब कहाँ से क्यों लगा, फिर उस किताब के बारे में बात करना चाहूँगा। भाई इतने सारे सवाल, जैसे अब भी हम एक दूसरे से सवाल ही पूछ रहे हैं ना, क्योंकि पूरी जिंदगी बीत जाती है और हम अपने सवालों, जो बड़े सवाल है, जो फिलोसॉफिकल हाँ सवाल है, हाँ उसकी तह तक कभी पहुंच नहीं पाते। जी और ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक जर्म रहता है बचपन में, पर हमारी एडुकेशन ना हमको ब्रेन वॉश करती है और उस जर्म को हटा देती है। जैसे पपलू परप्लेक्स में जो हिंदी टाइटल है उसका, क्यों हीरू हुआ हैरान, जी पपलू या हीरू एक चीज को लेकर हैरान है कि यार बच्चा मम्मी के पेट में क्यों है, पापा क्यों नहीं लेकर घूमते हैं बच्चे को, यस ये बोझ सिर्फ मम्मी क्यों ढोती है। तो ये बायोलॉजिकली आप लॉजिक दे सकते हो बच्चे को, बट उसने एक बहुत गहरा सवाल पूछा है यहाँ पे। वो बायोलॉजिकल लेवल पे नहीं पूछ रहा है ये सवाल, वो पूछ रहा है कि ये इनइक्वालिटी क्यों है मम्मी और पापा में। तो वो सवाल मैं पेश करना चाहता था, ऐसे पेश करना चाहता, क्योंकि ये सारे किताब ना पिक्चर बुक्स हैं और ये ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ के सुनाते हैं। तो मैं वो एक
कॉन्वर्सेशन शुरू कराना चाहता था पेरेंट्स और बच्चों के बीच, क्योंकि आप बच्चे को, आप एक 6 साल के बच्चे को कितना बायोलॉजी समझाओगे, एक पॉइंट के बाद आपको फिलोसफी पे आनी पड़ेगी और वो इनइक्वालिटी को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, और जैसे ही वो बच्चे के लिए आपने एड्रेस किया ना, वो एडल्ट के लिए एड्रेस हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको बहुत गहराई तक खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। थैंक यू। मैं चाह रहा था कि इस बारे में बात हो, कि मैंने किताब पढ़ी है और मुझे मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि बच्चों के लिए इस तरह की किताब किसी ने लिखी, क्योंकि वो तो बचपन में रोज देख ही रहा है कि पिताजी ऑफिस से लौट रहे हैं और उनको लौटते ही हाथ में चाय चाहिए, तो बिल्कुल कंडीशनिंग तोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात। जी इलायची कैसे लिखी आपने? बिकॉज इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट यू हैव डन सो फार, एंड इट आल्सो केम टुवर्ड्स द बिगनिंग। आई मीन ऐसा नहीं कि वो बात की तरफ की। No, interesting. I knew you'll ask me this. Elaichi, in fact, Elaichi, Agli Bar, Tandav, they're all remnants of films I was toying with around the time I was with Yash Raj. Elaichi was a 25-part series that I had written for Yash Raj TV in 2007. Unhone TV, apna TV channel, jo ab web series, TV series ko ab web series kehte ho, par tab powder karke ek TV series ki thi unhone. To maine ek TV series ki thi jo एक बीवी के बारे में थी जो विधवा हो चुकी है पहले एपिसोड में और उसका पति गायब नहीं हुआ है, और वो इस चीज में फंसी हुई कि मैं विधवा हूं पर तुम हो यहाँ पे, तुम्हें क्या विधवा हूं कि नहीं, या तो तुम जाओ और मुझे क्लोजर दो या तो तुम यहाँ रहो और मुझे टच करने दो, दोनों नहीं हो रहे। तो इट वॉज दैट डार्क कॉमेडी अबाउट अ हस्बैंड, अ डेड हस्बैंड एंड हिज लिविंग वाइफ, एंड दैट शो नेवर गॉट मेड बिकॉज व्हेन आई लेफ्ट यशराज आई जस्ट लेफ्ट, आई सेड मुझसे ना अब कुछ नहीं किया जाएगा, मेरी जर्नी मुझे लग रहा है ऊपर वाला कोई तो कह रहा है मेरे को कि यार तू दूसरी गली घुस। तो दिस मटीरियल वॉज देयर विथ मी, तो मेरे पास एक फीचर स्क्रिप्ट भी तैयार है, पर क्योंकि फीचर्स कोई बना नहीं रहा था तो मैंने 5 मिनट की फिल्म बनाई दिखाने को कि यार मेरे अंदर एक फिल्म मेकर था पर आप लोगों को नहीं दिख रहा था इतने सालों से। तो इलायची मैंने देखी है और एंड इट हैज सम रियली फनी मोमेंट्स आल्सो, तो क्लियरली ह्यूमर इज नॉट रियली समथिंग दैट्स टू फार अवे फ्रॉम यू। Yeah, my Yashraj film was an out-and-out comedy. It was a comedy. So, have you thought about kind of, have you toyed with the idea that you could also make a comedy or a romantic comedy, which Elaichi is for that matter? I have 3 ready scripts. It's just that in those years, nobody was backing me. So I ended up by default going into another zone. I'm not averse to going there, but now I will want to bring my politics into it. I'm not interested in making an apolitical film because we don't live in times where being apolitical, I think, is justified. So that I've passed that stage, but I do want to make comedy. I have ready scripts, but they are political comedies. What about Elaichi? I will bring religion and class into it. Gender definitely is there. Gender is already there, but I'd like it to be multi-layered. I will most definitely have brought religion into it, which is not that short. I will really like to see Elaichi getting made into a, like a full feature. मैं तो ऐसी बातें सुन के बस आजकल डर जाता हूँ। मैं कुछ react नहीं करता हूँ। मैं कुछ react नहीं करता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में बादशाह के दरबार में जो है वजीर कहता था कि जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। तो मेरा हाल तो मेरा तो हाल वो होता है कि क्योंकि पता नहीं, आप तो फिर भी पिछले 1 साल से थोड़ा सा चीज़ें बेहतर है, वरना तो सड़क चलते लगता था कोई पीट देगा अगर अपनी ये भी कह दिया तो। इट वाज लाइक यू नो कि समवन वाज ट्रैवलिंग थ्रू अ ट्रेन, अ लोकल ट्रेन इन मुंबई, एंड लोकल ट्रेन में सफ़र करते हुए एक शख्स ने कहा कि कितनी गर्मी पड़ रही है इस साल, तो बगल वाले ने उसका कॉलर पकड़ के पूछा कि क्यों 2014 के पहले नहीं पड़ती थी क्या? तो इसलिए अब मैं इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा आप जो कह रहे हैं। मैं मेरा एक आखिरी सवाल है, मैंने भी रियलाइज किया कि हम डेढ़ घंटे से बातचीत कर रहे हैं, तो मेरा 1 घंटा और 12 मिनट हम करीब बात कर चुके हैं। तो मेरा जो आखिरी सवाल है वो बंगाल पे है, क्योंकि अभी बंगाल में साइक्लोन आया है, उससे पहले कोविड-19। एक सवाल मेरा, मैं चाहता हूँ ले लें, हम बंगाल में बात करेंगे और वो बंगाल से जुड़ा है, ये सवाल मैं पूछना चाहता था उसी समय, आप कलकत्ता छोड़ के क्यों भागना चाहते थे? एग्जैक्टली आपने बहुत क्लियरली नहीं बताया हमको कि आप कलकत्ता से दूर, सबसे दूर क्यों जाना चाहते थे। कई सारी रीजंस थी, एक पर्सनल और एक आर्ट, मेरे अंदर के आर्टिस्ट और
मेरे सपनों को लेकर। मैं 3 साल वहाँ पे, 6 महीने में जर्नलिस्ट रहा, फिर 2.5 साल में एडवर्टाइजिंग में था, और आर्टिस्टिकली वो शहर मर चुका था। किसी को कुछ नया ट्राई नहीं करना था, और बस सत्यजीत रे और रवीन्द्रनाथ टैगोर पे अटक गए थे वो, और बात कोई भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और सब सब चीज़ का एक ही जवाब था कि चोल छे चोलुक, वाई चेंज एनी थिंग। और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था एक पॉइंट के बाद, क्योंकि मुझे रात को विजन्स आने लगी कि मैं 45 साल का हो जाऊंगा, मेरा पेट निकल आएगा, मैं विल्स नेवी कट पीऊंगा, 20-20 एक दिन में 2 बच्चे हो जाएंगे मेरे, और कुछ चेंज नहीं होगा, मैं तब भी इतना ही बिटर रहूंगा और मेरा आर्ट का कुछ होगा नहीं। तो मुझे निकलना पड़ा वहां से, और मैं ओवरनाइट निकला। मैं वेडनेसडे को सोचा कि मैं वहां से निकलना चाहता हूँ, थर्सडे को मेरी पूरी जिंदगी में एक बार मैं अनरिजर्व कोच में बैठा हूँ। मुझे पता है अनरिजर्व कोच में कैसे सफर करते हैं, मैं अनरिजर्व लाइन में घुसा बिना टिकट के, मैं बस बैठ गया। अगर मैं वो थर्सडे को नहीं बैठता, शायद फ्राइडे तक रुकता तो मैं नहीं आता बम्बई। बम्बई पसंद है आपको? और ये देवाशीष कह रहे हैं एज एन इनसाइडर ऑफ बंगाल, मतलब एज नॉट एज एन आउटसाइडर, जो बंगाल में रहे हैं, बड़े हुए हैं, वहां पढ़े हैं। 2.5 साल मैंने काम किया वहां पे, मेरे पीयर्स ने मुझे बोला कि यहां पे काम मत कर, दिल्ली चले जा, एडवर्टाइजिंग करना है तो बोला नहीं, लेट्स गिव इट अ चांस। और मैं अपना गर्दन या अपने नस कुछ तो मैं काटने के कगार पे था। मुंबई पसंद है आपको? नहीं, बट भी कोई ऐसी जगह का आप नाम ले सकते हैं जो पसंद है आपको? नहीं मालूम, अगर पता होता तो मैं चला जाता अब तक। अब रुक भी नहीं, अपना सवाल आप कर सकते हैं, ये जरूरी सवाल। मेरे ख्याल से देवाशीष जो कह रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी सिनेमैटिक जर्नी को देखें और उनका काम देखें तो एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं उनके पर्सनल जर्नी से, आई गेस कि maybe you've always been a bit of an outsider everywhere, right? I mean, I'm sure you're a, I felt it all the time. Maybe also among your Sindhi family members, you're not entirely a Sindhi. You're a part of you is anyways across the border also, I'm sure. जो बचपनी कहानियाँ रही होंगी उसमें बहुत सारी कहानियाँ वहाँ से ताल्लुक रखती होंगी। 2014 में मैं, मेरी टिकट हो चुकी थी, मैं कराची, इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाला था, और दैट वेरी डे दैट माय फ्लाइट वाज सपोज टू टेक ऑफ वाज एन अटैक एट द कराची एयरपोर्ट, और उसके बाद मैं जा ही नहीं सका क्योंकि मैं शिकारपुर देख कर आना चाहता था एक बार, ऑल्दो आई हियर इट्स अंडर द तालिबान नाउ, बट यस I wanted to explore my roots. I don't know if I'll ever get to do that. ये जो feeling है ना, ये जो एहसास है, थोड़ा सा यहाँ का होने का, थोड़ा सा वहाँ का होने का, और थोड़ा सा कहीं का भी नहीं होने का, का नहीं होने का, ये भारत में पंजाब, सिंध, बंगाल के कई लोगों में है। जैसे मेरी माँ, हालांकि उनकी पैदाइश लखनऊ की है, पर उनकी जितनी कहानियां हैं वो ईस्ट बंगाल की हैं, जो अब बांग्लादेश है, बीच में ईस्ट पाकिस्तान था, और क्योंकि मेरे नाना जी वहां से थे तो वो कहानियां, हालांकि मेरे नाना जी आए थे उस तरफ से, वो कहानियां मेरा हिस्सा अभी भी है। और अजीब सा मामला है ये कि क्या ये, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ जेनेटिक है ये मामला, मतलब इतना कैसे नर्चरिंग में ये कहानियां आ सकती हैं कि आई स्टिल फील, मुझे बहुत बीच बीच में ये एहसास होता है, ये एक अर्ज होता है कि थोड़ा उस तरफ जाके देख के आऊँ, वो गांव कैसा था, वहाँ पे पुकुर कैसा था, वहाँ का इतनी कहानियाँ है ना, इट्स सो विसरल वो पूरा जो एक्सपीरियंस है। तो वो मुझे लगता है कहीं शायद ये जो आपका भोसले हुआ, या फॉर दैट मैटर अगली बार हुआ, अगली बार में भी तो लोग घर के लिए ही लड़ रहे हैं असल में, कहीं ना कहीं से कहीं जाके बसे हुए, और या फिर हम लोग, या फिर डोमिसाइल जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसको हमको बहुत एग्जैक्टली समझना पड़ेगा, जो क्योंकि हम लोग शुरुआत में डिफरेंट नेशनैलिटीज की बात कर रहे थे कि इतने सारे नेटिव्स हैं हम सबके इस देश में, तो और इवेंचुअली हम घूम फिर के देवाशीष की पर्सनल लाइफ की बात करते करते वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। जो भोसले बनाते वक्त मैंने कई बार कई लोगों से ये बात कही, जब वो पूछते थे कि भोसले के कोर में क्या आइडिया है, कहता था कि द थिंग एट द आइडिया ऑफ इवन आवर डिस्कशन इज दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिसाइड हु इज एन इनसाइडर एंड एन आउटसाइडर, हाउ फार बैक आर यू विलिंग टू ट्रेस दैट जर्नी, हाउ फार बैक डू यू गो टू डिसाइड कि ये इनसाइडर है ये आउटसाइडर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आदिवासी एक्टिविज्म के लिए बहुत सालों तक
बहुत कुछ करने की कोशिश की है मैंने मेरी आधी कहानियों में. आई एम प्रो आदिवासी एंड प्रो जस्टिस फॉर द आदिवासी हु इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज और हर लैंड. बट व्हेन आई सिट डाउन विद सम आदिवासी सिंपल पीपल हु आर नॉट एक्टिविस्ट्स और नॉट पॉलिटिकली इंक्लाइंड एंड दे जस्ट हैव दिस मच टू से कि हम 3000 साल से जमीन पे हैं, जमीन हमारी है. तो मेरा एक ही सवाल रहता है कि 3000 साल पहले आपने किसको डिस्प्लेस किया यहाँ से? जो यहाँ पे था 3000 साल पहले वो भी तो क्लेम कर सकता है ना कि आपने उसको डिस्प्लेस किया. तो व्हाट देन इज द यार्डस्टिक टू डिसाइड कि आप इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो? एंड इफ यू कांट कम अप विद द यार्डस्टिक दैट डिबेट इटसेल्फ इज इररिलेवेंट. देन वी आर ऑल आउटसाइडर्स टू सम कैपेसिटी. यू हैव टू कम अप विद अ न्यू डिबेट. दिस डिबेट टू मी इज इररिलेवेंट. Everybody is an outsider if you trace it far back enough. हाँ, पर जो उस इलाके में इस वक्त है, मैं सिर्फ मैं अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आदिवासी लोगों के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो उस इलाके में है, जो उस जंगल से, उस पानी से जिसका नाता है, खाना है, रहना है, जिसका जिसका पूरा पढ़ाई भी वही है ना. मतलब अगर वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगती है तो उस फैक्ट्री का भी उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई अलग ट्रेनिंग नहीं है वहीं पर रहने का. उसको तो वो स्टेटस देना पड़ेगा ना. नहीं, लेकिन उसके लिए तो आप किसी के साथ नहीं कर सकते. जवाब है मेरे पास, ये तो आप किसी के साथ नहीं. इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट से आपको जवाब नहीं मिलने वाला. इट कम्स डाउन टू जस्टिस. हां, इट कम्स डाउन टू रिप्रेजेंटेशन इन द जस्टिस मशीनरी. अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल एज एन आइडेंटिटी, एज अ citizen of an independent country which became independent in 1947. Yes. You can't be using the Land Reforms Act of 1896. You can't be using 200-year-old methods to displace that person from their land. That representation is not there. Therefore, the debate becomes this obscure debate about an insider and an outsider. It's so abstract that you can't reach a natija. You can't reach a natija, you get uprooted. When you come back to justice, then there's a debate to be had. Yes. और वहां तक वो बात पहुंचती नहीं है क्योंकि इनसाइडर आउटसाइडर में ही खत्म हो जाती है बात. पर जस्टिस का डिबेट क्या प्रेवलेंट है हमारे यहां? मतलब justice... तो मैं कह रहा हूं, वो होना चाहिए. दे हैव टू बी रिप्रेजेंटेड इन द जस्टिस मशीनरी इन दैट डिबेट. देयर इज नो डिस्कोर्स अराउंड देम इन द जस्टिस मशीनरी. क्योंकि देयरफॉर दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड. रुक्री, देयरफॉर यू आर हैविंग दैट डिबेट आउटसाइड ऑफ द मशीनरी. आवाज क्या कह रहे हो? हां, क्योंकि आप जो बात कह रही है ना कि ये बात केवल आदिवासियों के लिए लागू नहीं हो सकती ना. नहीं नहीं, मैं तो आदिवासियों के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं. मैंने संदर्भ बहुत ही क्लियर किया. नहीं नहीं, वहां पे ये तर्क है कि ठीक है वो वहां रह रहे हैं 4000 साल से, पर ये तर्क पूरी तरह एप्लीकेबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मुंबई में धारावी है और वहां बाहर से आके तमिल्स रह रहे हैं तो उनको क्या आप उठा सके, भगा सकते हैं वहां से? क्योंकि वो 3000 साल, ये किसी के साथ आप नहीं कर सकते. या तो वो अलग बात है. मैं आदिवासी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ. मैं उसको मैं कह रहा हूँ कि न्याय सबके लिए एक ही जैसा है, वो किसी के भी साथ आप नहीं कर सकते. मैं यही पर न्याय का डिस्कोर्स तो सबसे वीक डिस्कोर्स है हमारे यहाँ. न्याय करके हमने क्योंकि न्याय का डिस्कोर्स बहुत वीक है, इसीलिए बहुत कन्वीनियंट है स्टेट के लिए कहना कि आप 1947 के बाद की बात करें, 3000 साल की बात ना करें. बहुत इजी है बोलना क्योंकि आपने उनको रिप्रेजेंट ही नहीं किया आपने मशीनरी में. बिल्कुल, उनकी औकात ही नहीं है, उनकी आइडेंटिटी नहीं है. उसके बाद आपको बहुत इजी है ना कहना कि आप 1947 के बाद आप रेलेवेंट नहीं हो तो आपको हम निकाल सकते हैं फॉर द ग्रेटर कॉमन गुड. और ये वो मैं कह रहा हूँ कि री लुक द जुडिशरी, री लुक द कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंट देम, देन लेट्स टॉक. बट डोंट टॉक अबाउट इट एज एन इनसाइडर आउटसाइडर, क्योंकि वो ना इट्स अ सेल्फ इम्प्लोडिंग डिस्कशन. उसका कोई नतीजा नहीं निकलता. अगर इतने 100 सालों में नहीं निकला है ना, अब नहीं निकलने वाला. बट टू फाइट फॉर द रिप्रेजेंटेशन एंड अ जस्ट एंड अ रिप्रेजेंटेशन विद अ सेंस ऑफ इक्वल राइट्स, आई डोंट नो, आई नो इट्स वेरी हार्ड टू अचीव, आई डोंट नो हाउ वी विल अचीव इट, बट दैट इज व्हाट वी नीड टू पुश टुवर्ड्स एंड नॉट गेट कॉट अप इन द इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट. क्योंकि इस आधार पे बहुत सारी मुझे लगता है कि अजीब तरह की विसंगतियां हो जाएंगी ना. कल को कोई कहेगा ये वही है कि यहाँ पहले मंदिर था और बाद में मस्जिद बनी. ये तो नहीं, तो नहीं, मैं तो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बोल रही हूँ कि आदिवासियों का जो डिबेट रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट टू मच ऑन दिस, बट आदिवासियों का जो डिबेट रहा है वो तो जल जंगल जमीन कर करके ही दैट इज देयर लैंड. और इसके पीछे कोर आइडिया ये होना चाहिए कि जो उनकी जगह है जहाँ वो रह रहे हैं वहां से उनको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता और हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का जीवन अपनी तरह से जीने का अधिकार है. मैं जाके नहीं बताऊंगा कि तुमको आधुनिक हो जाना है और आधुनिक होने की परिभाषा ये होती है. हाँ, वो अपनी तरह से, तो ये दरअसल डिस्कोर्स ये है, कुल डिस्कोर्स यही है. और ये जो बात हो रही है, क्योंकि
ये वो देश है जहां हम जो बात अभी देवाशीष ने कही कि 1947 के बाद से बात करते हैं और साइमल्टेनियसली हम कहते हैं कि बहुत प्राचीन संस्कृति है, हमको इस पे गर्व है ना। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस पैराडॉक्स को हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आदिवासियों की लड़ाई, उनका संघर्ष, उनके मुद्दे, वो सारे वैसे ही और वहीं रहेंगे और वहीं रहने चाहिए। पर दरअसल बात यह है कि उनको उनकी तरह उनकी जगह पे रहने का अधिकार है और कोई कानून, पुलिस, सरकार या अदालत उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। और हम अक्सर उसी पैराडॉक्स में फंस जाते हैं, ये ह्यूमन राइट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ये एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन तो 6 घंटे और चल सकती है जी, पर कहीं ना कहीं उनको हमने एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव का मोहताज बना दिया है ना, क्योंकि हाँ। वो हो गए शेड्यूल्ड ट्राइब्स और हम हो गए वो मेन स्ट्रीम जो डिसाइड करेंगे अब उनकी उनके फ्यूचर के साथ क्या होगा। तो दैट नीड्स टू चेंज, दैट इक्वालिटी, अंटिल आई डोंट नो हाउ टू अचीव इट येट, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट इन माई स्टोरीज, बट अंटिल वी रीच अ प्लेस ऑफ of talking as equals, we are going to keep going in circles inside that paradox. Rukmini ka frame freeze hua hai kya? हाँ, मैंने off किया है, मैं फिर से on कर रही हूँ उसको। जी जी। ठीक है, मैं इस सवाल से जहाँ जाना चाह रही थी वो था कि अभी जो हो रहा है बंगाल में, जो फ्लड का माहौल है और जो साइक्लोन का माहौल है, आप वहाँ पे आपके दोस्त लोग भी हैं जिनके साथ आप बातचीत भी कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, आपके घर के भी पुराने दोस्त भी होंगे, क्या आपका क्या फीडबैक मिल रहा है आपको, क्योंकि बहुत कम खबरें आ रही हैं वहाँ से, आपको अभी तक क्या खबर मिली है, और मुझे बताएं कि आपको बोली बहुत बुरी हालत है, मतलब उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, तो उसकी उस स्टेट की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। एक पॉइंट के बाद आप खड़े होने की कोशिश भी करो, पर एक कोविड और उसके बाद ऐसी साइक्लोन के बाद आप अकेले खड़े नहीं हो पाओगे, आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा देश अब मदद करे ना तब भी कम पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ एल्स टू समराइज व्हाट बंगाल इज फेसिंग राइट। हम लोग इस लिंक के साथ हम लोग कुछ फंड्स हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम लोग के कुछ दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे जान पहचाने कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग सीएम फंड में तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, बाकी भी कुछ लिंक्स हैं वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जो चैट बॉक्स है हमारा जिसमें आपने अपने कमेंट्स किए हैं, यहाँ पर हम लिंक शेयर कर देंगे, और साथ में ही ये जो पोस्ट है, जो वीडियो है, इसके साथ हमने जो पोस्ट डाली है उसको एडिट करके वहाँ भी हम लिंक्स शेयर कर देंगे जिन पे आप डोनेट कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। तो उस पर क्योंकि आप हम वीडियो में दिखाते तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता, आपको लिखना पड़ता, वहाँ पे आप सीधे क्लिक करके उस लिंक पे जा सकते हैं अपने ब्राउजर में। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत कमाल का काम कर रहे थे साइक्लोन के पहले भी, और साइक्लोन के बाद उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया, और वो इतना कमाल का काम कर रहे हैं स्पेशली कलकत्ता के बाहर जहाँ और भी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है लोगों को, तो उनको जितना सपोर्ट करें हम कम है। आप भी काम कर रहे हैं मुंबई में काफ़ी सारा जो? मैं एक्चुअली सच बोलूं तो कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, मैं कई सारे लोगों को कनेक्ट करवा रहा हूं जितना मैं कर सकूं, बट मैं ऑन द फील्ड काम नहीं कर रहा हूं। पर कई सारे लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हूं जो लगातार 20-20 घंटे रोज 2 महीने से लगे हुए, और इन सारे लोगों को सरकार की तरफ से तो बहुत कम रिप्रेजेंटेटिव्स दिखे करते हुए, वो आकर क्रेडिट बकायदा ले जाते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होता है। पुलिस के कुछ फैक्शंस हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जो कर रही है वो बहुत वैल्यूबल काम कर रही है, बट पुलिस के अलावा बाकी जो स्टेट की बॉडीज हैं वो के बारे में जितना कम कहा जाए बेटर होगा। हाँ, मुंबई पुलिस हो या लखनऊ की पुलिस हो या बंगाल की पुलिस हो, खासकर कलकत्ता पुलिस, इन 3-4 जगह पे पुणे की पुलिस इन्होंने बहुत मदद की है, वर्कर्स की बहुत मदद की है, पुणे में तो स्टेशन वगैरह में पहुंचाया है लोगों को उन्होंने, और लखनऊ में खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प किया है लोगों का, तो सरकारी तंत्र से खाना शायद ना आया हो, नहीं आया एक्चुअली, पर जब किसी ने मदद मांगी है तो पुलिस आगे आई है, जितना कर सकी है अपने तरफ से काफी काम किया है पुलिस ने, तो पर इसके बावजूद काफी सारी पुलिस है जिन्होंने बिना देखे बिना सोचे बहुत सारी जातियां भी की है।
And at this particular point, when you have a prime minister who doesn't open his mouth when his country is suffering, it just gives a free hand to everybody to do whatever they want to do. क्योंकि एक लीडरशिप की तरफ से कोई इशारा नहीं आ रहा है ना. कभी कभी एक इशारा भी काफी होता है एक लीडर की तरफ से, बट यहाँ तो कोई इशारा नहीं आ रहा है और वो इशारा ना आना ही एक इशारा है. एंड दैट हैज बीन मिसयूज्ड मोर एंड मोर एवरी पासिंग डे. मुझे लगता है हमारी एक सोशल कंडीशनिंग भी बन गई है इस तरह की चीज़ों के लिए, कि पुलिस वालों का जो बिहेवियर है या बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो एक सोशल कंडीशनिंग बन गई है कि हर चीज़ का समाधान जो है वो चाहे माँ बाप हो चाहे पुलिस वाले हों, कि वो बच्चों को उठा के पीट दो या सड़क पे जो आदमी उसका उठा के पीट दो, दैट इज़ द सॉल्यूशन. द वायलेंस इज अ सॉल्यूशन फॉर अस बेसिकली. सो बट एक आखिरी सवाल है वो मैं ले लेता हूँ. हमें तो अभी कोई बात नहीं करें, सीधे फिल्म पे जाने की कोशिश करेंगे. शिल्पी सिंह हमारी दोस्त हैं जो आप भी जानते हैं, उनका सवाल है कि हाउ फार विल यू गो टू ट्रेस दैट जर्नी फ्रॉम एन आउटसाइडर टू एन इनसाइडर. आर यू इवन ट्राइंग टू डू दैट? आई डोंट नो. Huh, like I said, if I don't know where I want to be, where I want to stay, where I want to belong, so I don't know what I want to be an insider to. If I don't know that, agar ek destination nahi hai aapke paas, to aap journey kaise hi karoge? You'll be like a shramik train that was supposed to go somewhere and ended up somewhere else, which is what I am, and I'm happy to be that, I think. But we are not happy with shramik trains. We are happy with Devashish going from one place to another and anywhere. So, thanks for clarification. We don't endorse the fact that suddenly Indian railway drivers have forgotten. I was trying to be satirical. My favorite genre. But you know, this is. मैं बहुत खुश था. मैं दिल्ली से मुंबई गया तो I actually like मुंबई, है ना. Undoubtedly किसी और शहर के मुकाबले मुझे मुंबई ज़्यादा पसंद है. तो लेकिन अब मैं दिल्ली आया था किसी काम से, दोस्त लोग कहते हैं दिल्ली लौट आओ. मैं दिल्ली आया और लॉकडाउन हो गया. मैं 2.5 महीने से यहीं पर हूँ. जरूरी नहीं है कि आप तो हम लोग किसी जगह जाए तो वापस लौट आए. आप फंस भी सकते हैं. वापस लौटे हाँ. तो हम लोग ये मैम तुम्हारा कोई आखिरी सवाल है? नहीं तो हम लोग नहीं, नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है, सीधे फिल्म दिखा सकते हैं. तो हम लोग अगली बार पे जाते हैं जो हम लोग की बहुत ही फेवरेट फिल्म है. और तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको स्काइप पे स्क्रीन शेयर करूँ जो लाइव भी चला जाए, जिससे कि हम लोग भी देख लें और सुन लें, और उसके बाद हम लोग वापस लौट के मैं ना विदा ले. तो आई एम जस्ट हम लोग अभी विदा ले सकते हैं, अभी विदा ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं एंड देख पीपल कैन कंटिन्यू वाचिंग. ठीक है. थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस एंड थैंक यू वेरी मच. एक मिनट रुक जाएं आप, एक मिनट रुक जाएं. ठीक है मैं जी. अब आप नहीं अब आप विदा ले सकती हैं क्योंकि आप दिख नहीं रही थी स्क्रीन पे. बताइए. नहीं, थैंक यू वेरी मच देवाशीष फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. एंड आई एम रियली हैप्पी. आई वाजंट सो होपफुल दैट यू विल बी सो रेडीली रेडी अबाउट दिस चैट, बट आई एम सो ग्लैड दैट यू जॉइंड अस. एंड इट वाज रियली वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग, बिकॉज ऑल ऑफ अस हु आर हियर इन बॉम्बे एंड आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ स्ट्रेटजाइज टू सर्वाइव. For us, this talk is really helpful. For me personally, it is very helpful because I struggle with these questions myself. और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए. और I really hope you continue to make films like अगली बार and Aji and Elaichi, as I said. We hope to see those films. I hope to see Elaichi as a big feature sometime soon. And just for the record, ये मेरी life की पहली video chat है. I've never done a video call in my life. This is my fourth live chat. No, I've never done a video call. Oh, you've never done a video call. Fantastic. It's the first time I'm seeing myself in a video call. I'm going to get a lot of hate messages now from people who have turned down in the past. थोड़ा हिंदी फिल्मों के style में हर चीज कभी ना कभी पहली बार होती है. तो हम लोग अगली बार पे चलते हैं और अगली बार मिलेंगे तो हम लोग और बातें करेंगे, है ना. आप सब लोग ये फिल्म देखिए. थैंक यू रुक्मिणी. थैंक्स देवाशीष.
हाँ जमील, ट्रांसफर हो रहा है, घंटा लगेगा। अपील लिख रही हूँ स्टे ऑर्डर के लिए, फोन करती हूँ। बाय। क्या हुआ रुखसाना? वो लोग जबरदस्ती जबरदस्ती गोली में घुस गई दीदी, उन्होंने मार डाला दीदी, उन्होंने सबको मार डाला। रुखसाना एक मिनट, रुखसाना मेरी बात सुनो, बाकी के लोग कहाँ हैं? दीदी मुझे नहीं पता दीदी, मैं भाग के बाहर गई दीदी और मैं डर के मारे अंदर आ गई दीदी। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, मैं क्या करूं? चार पुलिस वाले कहाँ हैं? चार पुलिस वाले हो रहे थे ना वहां? दीदी मुझे नहीं पता पुलिस वाले कहाँ हैं दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। चार एक मिनट मेरी बात सुनो तो, चाचा चिल्ला रहे थे दीदी, बहुत जोर से चिल्ला रही थी दीदी, हम नहीं चिल्ला रहे दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, मैं क्या करूं दीदी, वो सबको मार डालेंगे। रुखसाना तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूं। ठीक है रुखसाना हेलो सर, अनावारी चेंबूर में एक लड़की पर अटैक हुआ है सर, मैंने देखा है, एक आदमी था, मैंने उसको देखा, मैं उसको पहचानती हूँ। किसका नाम? अरे कंप्लेन कौन कर रहा है? फैजा खान। फैजा खान, अरे अरेस्ट किया था ना आपको भी? सर आप प्लीज उस पर टाइम मत वेस्ट करिए सर। सर अभी मैं उससे बात करी थी, अगर अभी आप लोगों को भेजेंगे तो वहां हम उनको पकड़ सकते हैं सर। मैडम हाँ दिखता है सर। हेलो हेलो सो ऑन वन साइड वाज द बुलडोजर एंड द पुलिस, द बिल्डिंग ऑन द अदर साइड, और बीच में मैं खड़ा था। माय गॉड, और फिर दे बैक द फक ऑफ एसोल्स। व्हाट? एक सेकंड डैड यार, ले लेना था ना बेबी, कितनी बार कॉल किया उन्होंने? अरे दैट वाज फैजा अर्लियर। फैजा 10 टाइम्स, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? शी नीड्स टू चिल यार, आई मीन आई गॉट माय हेड बस्टेड, अब एक रात तो आराम करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं बता रही हूं उसको क्रश है तुम पे। क्रश ऐसा कुछ नहीं है, शी इज 24/7 इन दिस शिट, उसका बस चले ना सोए ना रात भर। अरे यार ऐसी कौन सी चीज है जो रात भर वेट ना कर सके हैं?
मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ, तुम तो मेरा वेट करोगी रात भर। हेलो और व्हाट्सएप तेरी हुस्ता पे आई थी। हाँ टाइम क्या हो रहा है? हैं टाइम डे कौन था बेबी? पता नहीं। अच्छा बाबा जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड ना। Baby, I'm coming over. I want my baby tonight. I want my baby heart. Baby, what happened? Did you fall? Javed, are you okay? Javed? Baby? Aap kaun ho? Javed kahan hai? Javed ko phone do. What have you done to him? Javed? Javed?